कृष्ण जी के ज़माने में अगर ये न्यूज़ चैनल्स होते तो हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा है पढ़ने को नहीं मिलता, वो सब टेलीविज़न में ही लोग देख लेते किस तरह से बातें होती हैं अगर उस ज़माने में न्यूज़ चैनल होता। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पंचवटी के जंगल से आ रही है, जहां अभी भी पता चला है एक महिला के नाक कान काट दिए गए। आइए आपको सीधा हम लिए चलते हैं मौका वारदात और देखते हैं पूरा मामला क्या है। राहुल, क्या मामला है? ये कौन थी महिला? उस युवक ने इसके नाक कान क्यों काटे हैं? हेलो हेलो हेलो, हाँ हेलो, आवाज आ रही? हाँ हेलो, हाँ ये पहली महिला है जो बिना पासपोर्ट के श्रीलंका से आई थी और ये आके भगवान राम को छेड़ने लगी। राम ने धैर्यपूर्वक उसको बर्दाश्त किया, लेकिन लक्ष्मण जी से बर्दाश्त नहीं हुआ तो लक्ष्मण ने अपनी खुखरी निकाल के इसके नाक कान काट दिए हैं। ये महिला का नाम सूपनखा बताया जा रहा है और इसका ताल्लुक बाहुबली परिवार से है। इसके भाई का बहुत बड़ा टेरर था तो वो खुखरी जिससे नाक कान काटे गए, खुखरी ढूंढने के लिए श्रीलंका की पुलिस आई थी। यहाँ सारे नाली में गटर में खुखरी ढूंढी जा रही थी, खुखरी तो नहीं मिली, लेकिन यहाँ के निवासी इस बात से बड़े प्रसन्न हैं कि इस बहाने यहाँ के नाले और गंदगी साफ हो गए। अब आइए आपको हम श्रीलंका लिए चलते हैं और देखते हैं कि इसके परिवार में क्या रिएक्शन है और इसके भाई साहब वो आगे की क्या रणनीति बना रहे हैं। दीपक, आप इस वक्त श्रीलंका पहुँच गए? अभी तक क्या रावण से मुलाकात हुई? तू कर ले मुलाकात रावण से, खुद स्टूडियो में बैठे बैठे बोलता रहता है, यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, कहाँ चले आए यार हम, यह आखिरी रिपोर्टिंग ना हो, यहाँ सर कटे आदमी घूम रहे हैं। अभी अजंता मेडिस के चाचा मिले थे। जय महिला, आप जय महिला वर्धने की फैमिली से हो? अच्छा अच्छा, मौसेरे भाई हो? अच्छा अच्छा अच्छा, सब रावण की फैमिली के लोग मिल रहे हैं यहाँ पर। अभी ये मेरे बगल में तीन आदमी खड़े थे, अब दो रह गए हैं, इन लोगों ने एक को खा लिया है। अभी तक क्या केके से बात हुई? केके से? अभी ये केके कौन? कुंभकर्ण। हाँ मैंने केके से बात। हेलो कुंभकर्ण जी, बताइए जब आपकी भतीजी के नाक कान काटे गए तो ये तो सोने में लगे हुए हैं, इनका एक ही सिद्धांत है, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज़ है, मुँह ढक के सोइए। इनके सोने से सिद्ध होता है कि श्रीलंका को सोने की लंका क्यों कहते हैं। आप रावण से बात करने की कोशिश कीजिए, रावण से। हाँ कोशिश कर रहे हैं कमीने। हाँ मैं उनके इस वक्त प्रतीक्षालय में बैठा हूँ। अभी दो राक्षसनी आई थी, दो बाल्टी खून दे के गई हैं, कह रही कि जब तक वो तैयार हो रहे हैं तब तक आप सूप समझ के पीते रहो। हाँ एक सेकेंड, रावण आ गया है, मैं अपने आप को जरा तैयार कर लूँ। हाँ रावण जी, हल मैं लंकेश मैं ब्रह्मा मैं विष्णु मैं महेश मौत मेरी पार्टी में वो तो सबको पता है, आप सिर्फ ये बता दीजिए मैं चला जाऊँ, एक कोई अच्छी टैग लाइन दे दीजिए, मैं निकल जाऊँगा, मैं खुद ही नहीं रुकूँगा ज़्यादा। आप सिर्फ इतना बता दीजिए, आपकी जो सिस्टर हैं उनके जब नाक कान काटे गए तो आपको पता कैसे चला? उस वक्त मैं तुम्हारा ही चैनल देख रहा था, आज तक से मुझे पता चला कि मेरी बहना के नाक कान लक्ष्मण ने काट। बस बस मेरा काम हो गया, आप जाओ भाड़ में। दोस्तों आपने देखा सबसे तेज चैनल आज तक, देखते रहिए। थैंक यू। नो डाउट बाबा रामदेव जी की वजह से योगा बहुत लोकप्रिय हुआ, हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में, और बहुत सारे लोग निरोगी हुए, स्वस्थ हुए। लेकिन आप ही का काम मैं भी कर रहा हूँ, हंसाने का काम। लोग बोलते हैं हंसाने से भी लोग डॉक्टर से दूर रहते हैं। हास्य योग जी। एक साहब बाबा जी से इतने प्रभावित हुए, योगा शुरू कर दिया। बाबा जी का जहाँ भी शिविर हो, शिविर में पहुँच जाएँ, वहाँ भी अटेंड करें, आलोम अनुलोम प्राणायाम शीर्षासन सब कुछ करते थे, सुबह भी करते थे शाम को भी करते थे। बाद में डीवीडी खरीद के लाए बाबा जी की, डीवीडी से भी करते थे, डीवीडी देख के करते थे। उनकी उम्र हो गई 80 साल और उन्होंने तन्मयता से किया, 90 साल के हो गए, 100 ईयर्स के हो गए योगा करते हुए, 105 साल 106 साल के जब हो गए तब मृत्यु लोक को पाए।
ऊपर पहुंच गए मरने के बाद, स्वर्ग में जैसे ही गए, स्वर्ग का नजारा देखा, आहा चारों तरफ खुशबू खुशबू, परियां, परियों ने वेलकम किया, वेलकम करके ले गई, वहां सेज सजी हुई है फूलों की, 56 भोग तैयार हो रहा है, मिष्ठान की खुशबू आ रही है, चारों ओर आनंद ही आनंद, शांति शांति। उस आदमी को बड़ी खुशी की अनुभूति हुई। तब उसने ऊपर से नीचे मृत्युलोक की तरफ देख के कहा, बाबा जी आपके चक्कर में बहुत लेट हो गया। मैं शिविर में गया, योग शिविर में, वहाँ पर बाबा जी सिखा रहे थे, और ये सिखाते सिखाते बीच बीच में अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं, देश प्रेम की बातें भी करते हैं, जो मुझे बहुत प्रेरित करती हैं। बड़ा अच्छा वहाँ पे वातावरण हो जाता है। और तो बाबा जी एक दो योग सिखाने के बाद बोले, ए, ए, यहाँ पर कोई है जिसे कुछ कहना है? कोई कुछ कहना चाहता है? ए, ये हमारी बहन कुछ कहना चाहती है, इनको माइक दो, माइक दो, कहिए बहन। बाबा जी मैं नागपुर से आई हूँ, और मैं अपने पति को लेके आई थी कि मेरे पति की शराब पीने की बुरी लत है, बहुत शराब पीते हैं, दारू बहुत पीते हैं, तो आपने कहा था इनको शीर्षासन कराओ, शराब छूट जाएगी। हाँ, तो शीर्षासन से फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ, अब तो शीर्षासन में 3-4 बोतल पी लेते हैं। धन्यवाद। एक महिला योगा देख के, बाबा जी को टीवी पे देख के, यूं यूं नाखून ऐसे से कर रही है, ऐसे कर रही है, उसको बताया गया ऐसे करने से बाल बाल उगाते हैं, यूं कर रही है। कुछ दिनों बाद देखा तो यूं यूं नहीं कर रही है, यूं यूं कर रही है। लोगों ने बोला चेंज क्यों कर दिया? अरे ऐसे ऐसे करते थे, मूंछ के बाल निकल आए। मुझे उत्तराखंड, बाबा को देख रहा हूं तो उत्तराखंड याद आ रहा है। उत्तराखंड में एक बहुत बड़े नेता हुए हैं, बहुत ही बुद्धिजीवी वरिष्ठ आदरणीय, एनडी तिवारी साहब। एनडी तिवारी से जैसे ही डीएनए जांच के लिए तिवारी साहब ने जैसे ही ब्लड दिया क्या, जैसे ही उनसे ब्लड लिया, उनके बेटे को बधाई आने लगी चारों तरफ से, लोग मुबारकबाद दे रहे हैं, मुबारक हो आपके घर बाप हुआ है। तिवारी जी मुझे एक फंक्शन में मिल गए, मैं बड़ी हिम्मत करके गया उनके पास, चरण स्पर्श किए, मैंने कहा तिवारी जी देखिए इस उम्र में अब आपको कुछ अचीव तो करना नहीं है, और आपका कोई करियर भी बिगाड़ नहीं सकता, अब आपको कोई क्या बिगाड़ लेगा, और आपको जीवन में अब क्या चाहिए, सब कुछ तो मिल गया। एक लड़का जो परेशान है, जो आपको अपना पिता बता रहा है, दर दर भटक रहा है, चैनल चैनल घूम रहा है, कोर्ट कचहरी चक्कर खा रहा है, उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए, आपका क्या बिगाड़ेगा, आपके पास इतनी संपत्ति भी है, ज्यादा ज्यादा एक टुकड़ा लेगा और क्या करेगा, इस उम्र में आप एक अच्छा पुण्य कर जाइए, स्वीकार कर लीजिए। तिवारी जी बोले, नहीं उसको स्वीकार करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर दिक्कत यह है कि अगर एक को स्वीकारा तो 400-500 खड़े हो जाएंगे। चुनाव जब आते हैं तो प्रत्याशियों में मुझे निर्दलीय प्रत्याशी बहुत अच्छे लगते हैं, निर्दलीय एकदम सीधे सरल होते हैं, पार्टी नहीं कुछ नहीं, अकेले घूम रहे हैं, मीटिंग हो रही कोई नहीं सुन रहा, और खुद चलते हैं, उनको 2 गनर दिए जाते हैं सरकार की तरफ से, ये गनर कभी कभी इतना आगे निकल जाता है ये भाग के खुद उनके बीच में चला जाता है, मैं हूं मैं, तुम हो मेरे लिए। और चुनाव चिन्ह क्या क्या, एक का निर्दलीय चुनाव चिन्ह उसका पतंग, तो किसी का फटी पतंग, एक ने रखा गोभी तो दूसरे ने रखा पत्ता गोभी। खैर भाषण हुए,
इलेक्शन हुआ, वोटिंग हुई और अब रिजल्ट आ रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं। अब इस कैंडिडेट को पता है रिजल्ट क्या है, तो जानबूझ के ये खुद टीवी के सामने आ ही नहीं रहा है, बच्चों से कह रहा है अरे कुछ और लगाओ यार, कोई लाओ मैच लगाओ, मैच देखो क्या हुआ, मैच लगा लो, मैच लगा लो। नहीं नहीं पापा, आपके रिजल्ट आने वाले इलेक्शन के। हाँ ठीक है, रिजल्ट आ रहे तो होता रहता है, वो तो पिक्चर लगाओ देखो राउडी राठौर आ रही होगी, आए पिक्चर लगाओ। खैर रिजल्ट आए, वो हार गए, जमाने जब्त। खैर हार जीत होती रहती है। दूसरे दिन सुबह सुबह ये कुल्ला कर रहे हैं, लोटा लिए तो पड़ोसी सांत्वना देने के लिए आए, भाई ऐसा है शर्मा जी, आप भले हार गए हो मगर एक बात आपको बताऊं, हमारे परिवार के सात वोट सात के सातों आपको दिए गए। ये गुस्से में बोल चुके, निकल जाओ ना ठूक देंगे, निकल जाओ निकल जाओ, बोल लिया निकल जाओ। भाई ये क्या बदतमीजी है, हम कह रहे हैं हमारे परिवार ने सात के सातों वोट आपको दिए हैं, सात वोट दिए पूरा सुन के जाना। ऐसा है हमें टोटल चार वोट मिले हैं और हमारी फैमिली में पांच लोग हैं, साला कल रात से हमारे घर पे मंथन हो रहा है, वो कौन लौंडा हमारा है जो साला खा हमारी रहा है और वोट कहीं और दे रहा है, है? धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। राजस्थान में वैसे जनता ने बीजेपी को बहुत वोट दिए, झोले भर के वोट दिए, थैला भर के वोट दिया, बस जनता ने एक गड़बड़ की, जीएसटी काट ली। क्या बात है, बैठिए भाई साहब, ऐसा लग रहा है आप चुनाव में खड़े हैं, बैठिए, हो गए पांचों राज्य के हो गए। जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे। एक्चुअली मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुआ ये आकलन नहीं कर पाए बीजेपी के नेता के लोग, बीजेपी वाले, जनता कहती रही बोर बोर और ये समझते रहे वंस मोर, और उसी जोश में काम करते रहे, बहुत अच्छा। लेकिन मैं इस वक्त मुंबई से दुबई से होते हुए यहाँ पहुँचा हूँ और वाया, और बहुत ठंडी है, हम बम्बई वालों के लिए बहुत ज़्यादा ही ठंडी है। ठंडी में मैंने एक बात नोट की, आप मेरी बात से एग्री करेंगे, कभी आप अनुभव करिए, ठंडी की खासियत ये होती कि इसमें आपको गर्मी नहीं लगती, कभी आप देखिए आप कभी नहीं गर्मी लगे, ये बड़ी बेहतरीन सी बात है। पिछले हफ्ते मैं देहरादून से दिल्ली आ रहा था बाई कार, जल्दी पहुँचना था किसी कार्यक्रम के लिए, फॉग बहुत था, धुंध कोहरा छाया हुआ। ड्राइवर ने कहा भाई साहब रात में चलना ठीक नहीं है, सुबह का रखिए, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, पूरा अंधेरा है, मतलब कोहरा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, ठंडी बहुत है, कुछ नजर नहीं आ रहा। हम कहा लेकिन पहुंचना बहुत जरूरी है, तुम ऐसा करो धीरे धीरे चलाओ, स्पीड स्लो रखना, देखो आगे कार जा रही है, अपनी कार के आगे कार जा रही है, उसके पीछे वाली रेड लाइट दिख रही है, लाल बत्ती दिख रही है, वो तो दिख रही है, बस उसी से एक डिस्टेंस मेंटेन रखो। ठीक है, बैठ गया, ठंड में चला रहा है, बेदिली से चला रहा है, उसने स्पीड ली, इसने भी स्पीड ली, वो धीरे हुई, ये भी धीरे हो गया। थोड़ी देर बाद आगे वाली कार खड़ी हो गई, अब ये कार से निकल नहीं रहा है ड्राइवर। हमने कहा देखो क्या बात है, बैठे बैठे पाँ पाँ पी पी पाँ पाँ, हमने कहा देखो क्यों खड़ी किया, देखो यार जल्दी पहुँचना है दिल्ली, भागा। हेलो भाई साहब, अरे गाड़ी क्यों रोक दी, अरे बढ़ाइए, हेलो बीच में क्यों रोक दी। उसमें से एक सरदार जी निकले, ओ ब्लडी फॉल नॉनसेंस, हैं रास्ते में रोक दी के बच्चे, तो गड्डी फॉलो करते करते मेरे बंगले में घुसा, मैं अपने बंगले में गाड़ी पार्क भी नहीं करूं। लेकिन दोस्तों मेरा मानना है कि जिंदगी सिर्फ कॉमेडी से नहीं चलती, जिंदगी में गंभीरता भी चाहिए, सीरियसनेस भी चाहिए। इसलिए हमेशा मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, करोगे प्यार अगर सीता से तो राम हो जाओगे।
करोगे प्यार अगर राधे से तो घनश्याम हो जाओगे, और करोगे प्यार अगर जबरदस्ती तो कसम से आशाराम हो जाओगे। सो ईवीएम की चिंता सबसे ज्यादा मैंने की है। ईवीएम एक बेजुबान प्राणी है जिसने जो चाहा उसको कोसा, उस पर लांछन दी। कभी किसी ने सोचा ईवीएम की अंतरात्मा क्या कहती है? ईवीएम बेचारी क्या सोचती है इन पॉलिटिकल पार्टी के बारे में? ईवीएम से मेरी बात हुई इस चुनाव के बाद। ईवीएम मुझसे बोली, भैया 5-6 साल से देख रहे हैं, हमारे ऊपर लांछन लगा रहे हैं, जेका जो मन में आ रहा है गाली दे रहा है, कोस रहा है, कोई कुलच्छनी कह रहा है, कोई दोगली कह रहा है, कोई कह रहा है दूसरे से मिली भाई ये बच्चा, हमार मजाक उड़ा रहे हैं, जेका जवाब नहीं मिल रहा है, अपनी हार का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो हमारे भरोसे हमारे ऊपर ठीकरा ठोक रहे हैं बच्चा, हमारे ऊपर चुटकुला बना रहे हैं, कह रहे हैं परमाणु बन का बटन जब दबावा जाए वही वोट बीजेपी में जाए, कहे लगे बच्चा गीजर का बटन ना दबाओ नहीं तो वोट बीजेपी का जाए, ऐसे इस मजाक हो रहे बच्चा, हम 5 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं, सब जे का जो मन मार हमका गरिया रहा है, हमका कोस रहा है बच्चा, लेकिन 11 दिसंबर का जो रिजल्ट आए, एक के बाद कौनो कांग्रेसी नेता को हमका कुछ नहीं बोल रहा, हमका बेगुनाही का सबूत मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया बच्चा, अब सब जो है विपक्षी नेता लोग रजाई में डूब के हैं, अब कौन सामने या नहीं आ रहा, अब आज से हम स्वच्छ हो गए, गंगा साफ हो गई, अब बच्चा हम जा रहे हैं बच्चा गंगा नहावे और प्रसाद चढ़ावे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अभी मैंने क्या किया, अपनी बॉडी से बात किया, हमने कहा जो शरीर है ये शरीर के अंदर पूरी एक दुनिया होगी, और अंदर शायद इनकी रिश्तेदारी होगी, आपस में इनकी मीटिंग होती होगी, जितने वेन्स हैं, जितनी नसें हैं, जितनी हड्डियां हैं, आप जब कोई कार्य करते हैं तो अंदर क्या रिएक्शन होता है, आप कुछ भी जो सबसे पहले करते हैं तो सबसे पहले खबर होती है ब्रेन को, ब्रेन अंदर बताता है कि क्या होने वाला है। मान लीजिए आपने गरम गरम कॉफी का ऑर्डर दिया तो ब्रेन ने अंदर बताया, सुनो गरम गरम कॉफी आने वाली, अरे यार इतनी गरम क्यों पीता है, हड्डी थोड़ा बगल हो जा, बगल हो, इतनी गरम गरम पी रहा है, सत्यानाश जाए इसका। आप कुछ खाना खा के आ गए पार्टी से, कुछ तीखा कुछ स्पाइसी खा के आ गए, अब पता चला जीभ उसकी हालत खराब, अंदर क्या बातें होंगी, खुद फोकट का खा के आ गई कहीं से, खुद तो अभी शीशी करके शांत हो जाएगी, हमको सुबह तक बर्दाश्त करना पड़ेगा। और कभी कभी इसके स्पाइसी होने से, परेशान होने से, ये 32 दांत क्या कहते होंगे, ए जीभ जब हजम नहीं होता तो काय को खा के आती है, हैं तेरी एक की वजह से हम 32 लोग परेशान हो रहे हैं, पता है, हैं कुछ भी खा के चली जाती है, कितना डिस्टर्ब कर रही है हम लोगों को, तेरी वजह से हम 32 लोग जो है ठीक से चैन से बैठ नहीं पा रहे। जी पलट के बोली, ए तुम 32 लोग ये मत समझना मैं अकेली हूं, समझाना मैं अबला नहीं हूं, मैं भी जीव हूं जीव, तुम अपनी सोचो, जो इधर उधर पार्टी में जाते हो फोकट का मटन चिकन खा के आते हो, सब मांस यहां पे फंसा के लाते हो, और इतना बास आता है मैं बर्दाश्त करती हूँ, समझा ना, तुम्हारी औकात नहीं मुझसे बात करने की, एक एक करके तुम लोग एक एक करके 3200 खत्म हो जाएंगे, मैं जीव हूँ जीव, शरीर में लास्ट तक साथ निभाने वाली हूँ, लास्ट तक साथ निभाने वाली हूँ, समझा ना, हाँ मेरे मुंह नहीं लगने का। मेरा तो एक ही फंडा है, जिंदगी में ऐसा काम करो कि बाद में लोग कहें भाई तो रहने दे हम कर लेंगे। कोशिशें कभी नाकामयाब नहीं होती, कोशिशें कभी नाकामयाब नहीं होती, हाँ कभी कभी बेइज्जती हो जाती अगर गलत जगह करो तो। बहुत अच्छी 2-3 हंसी बड़ी अच्छी आ रही है, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे
सो मैं भी सीधा एयरपोर्ट से चला रहा हूँ, और एयरपोर्ट में मैं क्या बताऊँ, एक एयरलाइंस ऐसी है आप समझ गए होंगे जिसके अंदर आपको माँ का प्यार मिलता है, उसमें बैठी है तो पूरा घर जैसा माहौल, ऐसा लगता है बुआ मौसी चाची घूम रही हैं। एयर इंडिया, ये देखिए कंगारू जा रहे हैं। सो एयर इंडिया में बैठा था, खाने के मैंने हिम्मत करके कहा कि एक्सक्यूज मी ये खाना ठंडा है, बोलते चुपचाप खाओ, मैं समझ गया मैं घर में आ गया हूँ। अच्छा कुछ बातें तो एयर इंडिया में ज़बरदस्ती होती हैं, पता नहीं क्यों करते हैं। काउंटर पर गया बोर्डिंग लेने, वो पूछती है विच सीट यू प्रिफर, विंडो एन, मैंने कह दिया विंडो, विंडो तो नहीं है। तो पूछा क्यों, क्या छेड़ने के लिए पूछा? योगेश भाई आ गए, ये एक ही है हमारे यहाँ, आइए। योगेश के लिए ज़ोरदार तालियाँ, ये सब जगह पता नहीं बुलाए जाते हैं या पहुँच जाते हैं, हर जगह बुलाए जाते हैं, प्यार से बुलाए जाते हैं, मुझे पता है मुझे। मैंने कह दिया आप एक ही हो, नहीं नहीं आप अपने काम में एक ही हो। सो ये बहुत अच्छे इंसान है योगेश भाई, किसी ने इनसे पूछा आपकी तारीफ, बोले करो करो अच्छा लगता है। लेकिन एयर इंडिया में अनाउंसमेंट किसने सिखाया है वो आदमी मिल नहीं रहा है मुझे। एयरपोर्ट पे जो अनाउंसमेंट होता है कैसे बोलती हैं, एकदम यहाँ छाती से बोलती हैं हंस की आवाज़ में, जबकि रियल लाइफ में कोई ऐसे नहीं बोलता। एयरपोर्ट पे आप जाइए आवाज़ आएगी एन विमान AI-11 नरेडिफा। हाँ जो लोग मुझे सी ऑफ करने गए तो वो भी घुस गए, बोले कोई चीज़ है अंदर, मानो न मानो कुछ तो है अंदर। ज़बरदस्ती के कैसे आप अच्छे हो, अरे बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं, ये गोबर सूंघ के बता देते हैं गाय की उम्र क्या है। बहुत प्यारी ऑडियंस आपने सजाई, एक सरदार दिख रहे हैं, एक ही बहुत हैं, क्योंकि एक सरदार 1.25 लाख के बराबर होता है, तो अच्छा 2.5 लाख बैठे हैं। और वहीं पे अच्छा थोड़ा लेट हो जाओ एयर इंडिया में, ऐसा डांटती हैं, इतनी डांट जितनी मैंने एयर इंडिया में खाई है मेरे माँ बाप ने भी कभी नहीं डांटा। ज़रा सा लेट हो जाते थे, अमिताभ बच्चन की जगह यही आ गए, ज़रा सा लेट हो गए, अब भाई आने के टाइम मार झापड़ खींच के, कहाँ रह गए थे, पायलट तुमको ढूंढने गया है। वहीं प्राइवेट एयरलाइंस में जिस तरह का वेलकम होता है बोर्डिंग के समय, ऐसा लगता है बस टेक ऑफ हो चाहे ना हो, आप फ्लाइट में बोर्ड कर रहे हैं इंटरनेशनल एयरलाइंस प्राइवेट में, वो बोलेंगी कहाँ रह गए थे, हम लोग कितने परेशान हो गए थे, नो प्रॉब्लम फॉलो मी, पैसेंजर गोद का बच्चा फेंक के जाता पीछे पीछे, बोलता सुनीता पकड़ ही तो होते रहते। अच्छा एक बार हम लोग शो के लिए कहीं जापान जा रहे थे, कोई कार्यक्रम के लिए जाना होता है, तो अब मुझे मालूम नहीं था कि जापानी लोग ओवर रिएक्ट करते हैं हर बात पे, ऐसा रिएक्ट करते हैं कि शायद उन्होंने आपकी पॉकेट में बम देख लिया है। मैंने सिंपली वाटर मांगा, घंटी बजाई टंग टंग, हमने एक्सक्यूज मी आई वॉन्ट वाटर, वाटर यू वॉन्ट वाटर जस्ट नाउ, लेटर जस्ट नाउ यू वॉन्ट वाटर, वहाँ वहाँ कौन वहाँ था वहाँ था, हमने इतना लफड़ा है तो कैंसिल करो, मेरा नवरात्रि व्रत चल रहा है, मैं निर्जला हूँ। अब डिक्शनरी में ढूंढ रही होगी निर्जला है क्या। अच्छा मुझे कैरेक्टर वैसे मिल भी जाते हैं या मेरी नज़र वैसी हो गई है, मेरे बाजू में पैसेंजर बैठा था, मुझे अरे राजू भैया देखो जहाज कितना ऊपर आ गया है, विंडो देखो आदमी चींटी के बराबर दिख रहा है, हमने कहा टेक ऑफ नहीं हुआ वो चीटी है। अच्छा कुछ सेक्टर में ये रटे रटा है सुरक्षा के नियम बताती हैं, अगर अलग अलग सेक्टर के हिसाब से अलग अलग बात करो, दिल्ली जयपुर की फ्लाइट होती है मुश्किल से 30 मिनट की, वहाँ भी सेम अनाउंसमेंट, अगर रास्ते में अगर प्लेन को अगर पानी में उतारना पड़े तो रक्षा जैकेट नीचे रखे हुए हैं। मैंने बुलाया, हमने कहा इस रूट में कहाँ तुमको समुंदर मिल रहा है, क्या किसी बाल्टी में उतारोगी। लेकिन बातें होती हैं। अच्छा खाने का ऑर्डर लेने के लिए एक एयर हॉस्टेस छांट के रखते हैं, उसको शुरू में दिखाते नहीं है, जब टेक ऑफ विकऑफ हो जाती है तो ही निकलती है, आंटी क्या चाहिए, माताजी रहम चाहिए, आप बस आशीर्वाद दे दो, खाना हम लाए हैं आप गरम करवा दो, 4 पराठे आपके। अच्छा
अच्छा कभी कभी खाने का ऑर्डर लेंगी, पैसेंजर के मुंह पे पूरा झुक जाती है, व्हाट यू प्रिफर, वेज नॉन वेज? अब इसको तो ठीक ठाक लग रहा है, उधर वाला टेंशन में, वो सांस रोके हुए। तो कह रही डोंट वरी, अभी उधर भी आऊंगी। यू आर शाक, एक्सक्यूज मी, यू आर मांसाहारी या शाकाहारी? बोला बिहारी, बिहारी। कुछ बातें जबरदस्ती की होती हैं एयरलाइंस में, लेकिन जैसी भी होती हैं अच्छी होती हैं। यहाँ पे जब प्रोग्राम ज़ोर से होता है तो आवाज़ अमिताभ बच्चन के घर तक जाती है, तो मुझे उन्हें घर क्रॉस करके आए, फिर यहाँ टर्न नहीं मिला, और टर्न मिलता है बहुत लंबा बी आर चोपड़ा के घर के पास। तो बी आर चोपड़ा जी निकल के पूछ लेते हैं, अच्छा जे डब्ल्यू जा रहे हो? बहुत लंबा टर्न दिया हुआ है। तो अमिताभ बच्चन से याद आया, उनकी कई फिल्मों के मैं हमेशा कुछ मिमिक्री करता रहता हूँ। तो अभी किया है कि दीवार फिल्म में एक सीन है जब अमिताभ बच्चन एक बिल्डिंग खरीदते हैं और बिल्डिंग की वैल्यू से ज़्यादा पेमेंट करते हैं, आपको याद होगा। तो शुरू के लाइनें ओरिजिनल हैं, लास्ट लाइन मैंने ऐड की है। तो बिल्डर हैरान होता है, तीन चार लोग के गेस्ट और आ गए, आइए आइए, बुके भी लाए हैं, आइए कैलाश जी इधर हैं। नहीं नहीं, तो घर की महफिल है सर, ट्रैफिक में फंस गए होंगे, ट्रैफिक बस इन्हीं चार लोगों के पीछे पड़ा था कि बस मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें, सब लोग कैसे टाइम पे पहुंच गए। सो कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, तुम जो सफेद साड़ी में लाल बिंदी लगाती हो, कसम से एम्बुलेंस नजर आती हो। एम्बुलेंस तो घायलों को ले जाती है, मगर तुम घायल कर जाती हो। है ये वाला वाह भी है, ये कलर भी है। तो हाँ, मैं बता रहा था, एक अलग अलग चेहरे के लोग आ रहे हैं। सो हमें बता रहा था कि दीवार का डायलॉग में जब अमिताभ बच्चन, सर कैसे आप, आपके यहाँ तो चिकन विकन खाया है। तो दीवार फिल्म में एक सीन है जब अमिताभ बिल्डिंग खरीदते हैं, तो बिल्डर बहुत सरप्राइज हो जाता है कि आदमी एक्स्ट्रा पैसे क्यों दे रहा है। तो बिल्डर कहता है, विजय माफ कीजिए, आपको बिजनेस करना नहीं आता है, अगर आप कहते तो मैं इस बिल्डिंग में 25-50 लाख रुपए कम कर देता, मगर आपने इसमें हंसने की बात है? नहीं नहीं है, बात है, ये किसी को या तो छोड़ आए हैं या लेके आएंगे, पेशाब करने गए होंगे। तो बिल्डर, आप कहते, आपने नहीं सुना ना बस, ठीक है, आप कहते तो मैं 25-50 लाख रुपए कम कर देता, मगर आपने इंसिस्ट किया नहीं, डील तो हो चुकी है। अमिताभ, नहीं डागा साहब, डागा साहब आपको मालूम नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छा, आप उनकी पोती तो नहीं श्वेता नंदा? डागा साहब आपको मालूम नहीं है। आप हर शो में आया करो। डागा साहब को मालूम नहीं है, जब इस बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था तो मेरी मां ने इसमें पत्थर तोड़े। इस बिल्डिंग के निर्माण के समय आपको भेजा क्या कपिल ने? नहीं, वो सीरियस जोक है, मैं खुद भूल जाऊंगा। डागा इन्होंने कहा ना टाइम किल करना है, मुझे जब किल करना होता है तो उस दिन मैं ऐसे ही प्रोग्राम देता हूं। ये कुछ मैसेज लाई हैं, उन्हीं को फडणवीस जी की फैमिली की लग रही है, शक्ल मिल रही थी। सो डागा साहब आपको मालूम नहीं है, जब इस बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था तो मेरी मां ने इसमें पत्थर तोड़े, मेरी मां ने इसमें मजदूरी की, और आज ये बिल्डिंग खरीद के मैं अपनी मां को गिफ्ट देना चाहता हूं। हर हाल में मुझे बिल्डिंग चाहिए, एनी हाउ, हर कीमत पे। अगर आप कहते तो मैं इस बिल्डिंग में 25-50 लाख रुपए आपको और दे देता,
क्योंकि बिल्डिंग मुझे हर हाल में चाहिए, हर कीमत पे। ये ओरिजिनल। उसके बाद मैंने एक लाइन ऐड किया, अच्छा तो आजकल तुम्हारी माँ कहाँ है? क्यों डाका साहब? इधर नवी मुंबई में मेरी 2-3 बिल्डिंगें और बन रही हैं। उनको भेजो काम करें। इस बार गेस्ट अच्छे आए हैं दारू के चक्कर में, और कुछ तो कह रहे हैं ये तो होता ही रहता है यार, बोतल खोलो। सो कैसे आओ? अरे पक्के बेवड़े इस तरफ हैं। एक बेवड़ा डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर ने नब्ज देखा, नब्ज देख के डॉक्टर बोला पीते हो? पीते हो, मंगा लीजिए फिर। एक बेवड़े का आखिरी समय आ गया, मरने वाला। उदित जी आपकी बात नहीं कर रहा हूं। एक बेवड़ा आया, उसका आखिरी समय, तो बोला तब ईश्वर प्रकट हुए, बोले वत्स तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा? प्रभु ऐसा करना, प्रभु अगले जन्म में दांत भले 2 कम देना, मगर लीवर पूरे 32 देना। सो ये बातें बेवड़ों की हैं। एक आजकल ये बीमारी बहुत ज़बरदस्त चली है, व्हाट्सअप। ये किसने बनाया उसका एड्रेस नहीं मिल रहा मुझे। जब तक व्हाट्सअप नहीं आया था सर, मैं सारे दोस्तों को बहुत इज्जत करता था। व्हाट्सअप ने मेरी आँख खोल दी, सब खाली बैठे हैं, निठल्ले 16-16 पेज के मैसेज लिखते हैं। मैं सोचता इसको पढ़ता कौन होगा, मगर पढ़ने वाले भी हैं साहब, पढ़ के रिएक्ट भी करते हैं, HAHA मजा आ गया। और वो कौन कमीने लोग हैं जिनके घर में रात को 1:30 बजे सूरज निकल आता है, गुड मॉर्निंग भेजते हैं रात को 1:30 बजे, चाय का कप बना देंगे, एक गुलाब का फूल, 2 बिस्किट। मैं समझ गया वो लोग हैं रात में जो गए होंगे इस काम के लिए, वहां जाते जाते करते करते इधर मारा होगा सेंड। तो आप समझ जाइए आपकी सुप्रभात कहां से होके आ रही है। तो ये चल रहा है। आहा, मोहब्बत का सफर लंबा है तो क्या हुआ, मोहब्बत का सफर लंबा है तो क्या हुआ, थोड़ा तुम आगे बढ़ो थोड़ा हम आगे बढ़ें, थोड़ा तुम आगे बढ़ो थोड़ा हम आगे बढ़ें, बाद में रिक्शा कर लेंगे। आहा, महंगाई की मार से भैया सुख की आस गई है। आम आदमी के मन की बात कर रहा हूं। मैडम आप समझ रही हैं, ऐसे ऐसे कर रही हैं, समझ रही हैं, वेरी गुड। महंगाई की मार से भैया सुख की आस गई है, उधार मांगने लक्ष्मी मैया खुद राजा और गडकरी के पास गई है। एक सांप ने एक भ्रष्ट नेता को डसा, एक सांप ने एक भ्रष्ट नेता को डसा, नेता को कुछ नहीं हुआ, सांप चल बसा। पिछले दिनों जब उत्तर प्रदेश में चुनाव आए, अखिलेश सरकार गवर्नमेंट बनी समाजवादी पार्टी की, उससे पहले की बात बता रहा हूं, तब हमने आप ही के चैनल में देखा, न्यूज़पेपर में पढ़ा कि बड़े बड़े नेता वोटर्स को लुभाने के लिए गरीब के झोपड़े में रात गुजारते थे। किसी गरीब के झोपड़े में नेता लोग रात गुजारते थे वोट बैंक के लिए। तो ऐसे ही रात को 2 बजे, पुरी साहब, ऐसे ही रात को 2 बजे एक गरीब के झोपड़े में दस्तक हुई। बुढ़ी निकल के आई, अरे को है, को खटखटा रहा? अरे अम्मा देखो बहन जी आई हैं, ये तुम्हारे झोपड़े में रात गुजारेंगी। अरे तुम्हारी बहन होंगी, हमारी बहन के मरे 10-12 साल हो गए। नहीं अम्मा, ये मायावती जी हैं, तुम्हारे झोपड़े में रात गुजारेंगी। अरे भैया गरीब का घर है, हमारे 4-5 एक है, उमर राहुल गांधी पहले से लेते हैं। अरे अम्मा तुम मायावती जी को मना कर रही हो, मायावती जी को मना कर रही हो, चटाई ले आओ, चटाई ले आओ, चटाई ले आओ, आंगन में लेट जाएंगे, चटाई ले आओ, चटाई भी तो एक है,
अडवाणी लेटे हैं। किसी ने बहन जी से कहा, बहन जी सोना बहुत जरूरी है इस बुढ़िया के घर में, मीडिया चारों तरफ है और 3 दिन बाद ही वोटिंग है, आप छत पकड़ लो, छत सीढ़ी, सीढ़ी से चढ़ जाओ, छत जरूर खाली होगी। अब सीढ़ी को एक तरफ से सतीश मिश्रा ने पकड़ा, एक तरफ से नसीमुद्दीन ने। बहन जी सीढ़ी चढ़ी रही थी कि छत से आवाज आई, उत्ता पदे समागा पा मुखा पर। अब हवा पवा पैस लेता अब यहाँ पर आजम खान लेते, आजम खान लेते हवा भाई सुपा लेते राम गोपाल लेते प्रोफेसर हवा अखिलेश अखिलेश लेता हुआ हवा बहु लेते दिब्बल कन्नौ के सामने कन्नौज के हवा बहु लेते हमारे परिवार ने इस बार समय रहते पूरी जगह छेंक ली है, इस बार किसी बहन जी की और बुआ की आवश्यकता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। गब्बर के बहुत सारे एक्ट मैंने किए कि गब्बर बूढ़ा होता तो कैसा होता, गब्बर भुलक्कड़ होता तो कैसा होता, गब्बर पे बहुत सारे मैंने स्किट किए हैं। अभी किया था कि अगर गब्बर सिंह का रोल करते लालू प्रसाद, लालू जी अगर गब्बर का रोल करते तो शोले में वो सीन कैसे होता। गब्बर सिंह घूम रहे हैं, लालू जी हे कालिया देखो मच्छरवा का, हे मोटू देख गब्बरवा इधर खड़ा, पगलवा उधर देख रहा, तोरे से पूछ रहे हैं, अरे कोई बताओ हम ग्रुप के सरदार हैं, इसको ना मालूम नहीं बुरबक को, एक कालिया अरे कितने आदमी थे सरदार, 2 आदमी, एक बसंती का आदमी था, दूसरा ऐश्वर्या का ससुर था। काय गोल गोल बोल रहा है, सीधे बोलो अमर सिंह के मित्र रहे होंगे। ए सांभा सुकड़ा देखो एक हड्डी के ऊपर बैठता है, ऊपर बैठता का चील कौआ से दोस्ती हो गया, अरे रपट पड़े गिर पड़े अस्पताल का खर्चा हमें देना पड़ेगा, काय ऊपर बैठता है बांगड़ू। अच्छा वो सब छोड़ो, अरे कितना जुर्माना ठोके है सरकार हम पर चारा घोटाले के लिए, पूरे 2000 करोड़, मगर अभी तक आप भरे नहीं हैं। हम भरे हैं नहीं भरे हैं तोरे पूछा है, नेतागिरी करते हो, और ये 2000 करोड़ का जुर्माना हमारे ऊपर काहे लिए है, यहाँ से 500 कोस दूर गांव में जब गाय का बच्चा भैंस का बच्चा चारा नहीं खाता है, उसकी माँ कहती खा ले नहीं तो लालू जी खा डालेंगे। थैंक यू। मीडिया न्यूज ढूंढते ढूंढते कभी मैंने देखा इतना निर्दयी हो जाता है। मेरी बात से आप इत्तेफाक रखेंगे, कोई आदमी पानी में डूब रहा है उसको बचाएंगे नहीं, उसके मुंह पे माइक डाल के बोलते इस समय आपको कैसा लग रहा है। एक आदमी बम विस्फोट से बच गया, किसी तरह से बम विस्फोट हुआ और बच गया, हॉस्पिटल में है, उसको खुद को यकीन नहीं हो रहा है, ऐसा हाँ 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 हाँ, उसको विश्वास नहीं हो रहा कि मैं बच गया हूं। मीडिया वालों ने सूंघ लिया, पहुंच गए, उसका इलाज होने से पहले ही। अच्छा वो जो बम फटा तो क्या एकदम से फटा, आपके बगल में जो बम गिरा तो क्या जोर का धमाका हुआ, नहीं
एकदम से थोड़ी फटा, पहले बम मेरे बगल में आया, फिर थोड़ा सा शर्माया और फिर थोड़ा लजाया और फिर धीरे धीरे लुढ़कते लुढ़कते मेरे नज़दीक आया और फिर शर्मा के बोला, माफ़ कीजिएगा मैं बम हूँ और आप बुरा ना माने तो फट जाऊँ। तो मैंने कहा, आ गए हो तो फटी लो। तो बोले, फुचुक हो जाए, तालियां हो जाए। अपने देश में दो तरह के सरदार होते हैं, एक जो कुछ नहीं करते और दूसरे जो सीधा प्रधानमंत्री हो जाते। वो बात अलग है कि वो भी कुछ नहीं करते। मीडिया की बात कर रहा था, ये तो मैंने ताज़ा बम विस्फोट का कुछ सोचा था तो बताया। एक मेरा बहुत पुराना आइटम है, जिन्होंने देखा तो उनके लिए रिपीट हो रहा होगा। पहले दूरदर्शन वाले फौरन पहुंच जाते थे जब ऐसी कोई घटना होती थी, बाढ़ आ गई या कुछ ऐसा आ गया, और जब बात करते थे, किसी से इंटरव्यू लेते थे, तो कैमरे की आवाज़ भी आती थी। पता नहीं कैमरे की होती थी या माइक की, टेक्निक डिपार्टमेंट बताएगा। अब बाढ़ आई है, गांव पानी में डूबा हुआ है, अब वहां पर ये इंटरव्यू ले रहे हैं। हेलो हेलो, आप ही बताइए, ये जो बाढ़ आई है आपका कोई नुकसान हुआ? हाँ बताइए बताइए, हाँ बोलिए, हाँ बताइए, हाँ बोलिए, हाँ बताइए, हाँ बोलिए। अब पहली बार आदमी टीवी के सामने, उसकी घबराहट। साहब हम लोग ऐसे रात को बैठे थे, हम लोग रात को बैठे थे, हम शुक्ला, मनोहर, मिश्रा, यादव, पुत्तन, छुट्टन और मनोहर, हम लोग बैठे थे, गजोदर भैया बैठे थे, हम लोग खैनी वैनी खा रहे थे, ऊपर से देखा पानी का बौछार आया, तो मिश्रा से बोले, हमका देखो पानी बरस रहा, बोले नहीं नहीं ऊपर से कोई थूका है, तो हम बोले बहुत ज़्यादा आ रहा है, बोले हाँ हाँ मिल के थूक रहा है। फिर साहब बहुत पानी बरसने लगा, पानी धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गया साहब, पानी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया, हमें धोती में घुसना शुरू हो गया, धीरे धीरे जैसे पानी धीरे धीरे ऊपर बढ़ता रहा तो बहुत गुदगुदी लगता रहा साहब। देखते थे बाढ़ पानी हो गया, पानी हमारी बुढ़ी माँ डूब रही थी, हमारी बीवी डूब रही थी, गाँव वाले बोले बुढ़ी माँ को बचाओ, तुम्हारी जवान बीवी को तो कोई ना कोई बचा ही लेगा। उसके बाद टीवी वालों ने एक महिला से पूछा, हेलो आप ही बताइए, ये जो बाढ़ आई है आपका कोई नुकसान हुआ? हाँ बताइए। ऐसा है भैया, हमारा जितना सामान हुआ खो गया रहा, सामान हुआ तो मिल गया है, भाई हमारे आदमी नहीं मिल रहे हैं। अच्छा अच्छा, दिखने में कैसे थे बताइए, हम ढूंढेंगे। दिखने में रहे एकदम हीरो, लंबे चमड़े, चौड़े लंबाई 6 फुट 2 इंच, चौड़ी छाती, घुंघराले बाल, एकदम गबरू जवान, दूर से देखे तो अक्षय कुमार। उसकी सहेली बोली, भौजी झूठ क्यों बोल रही हो, तुम्हारे आदमी तो बुढ़े हो, गंजे हैं ना। अरे चुप रहो, अब ये लोग ढूंढेंगे तो अच्छा ढूंढेंगे। जिस कंस्टिट्यूएंसी से, जिस क्षेत्र से कोई बड़ा मिनिस्टर बनता है, कैबिनेट मंत्री होता है, तो कम से कम उसके क्षेत्र में पानी की व्यवस्था, सड़क अच्छी होती, बिजली की व्यवस्था अच्छी होती है, चाहे और जगह ना हो। मैं कानपुर का हूं तो कानपुर की बात करूंगा। कई दिनों के बाद जब बिजली आई, तो मैंने कहा, कैसी हो हवा हवाई? बोली, आजकल मौज में हूं, आपको तो पता ही मैं कन्नौज में हूं। मैंने कहा, इटावा का क्या हाल चाल है? तो सर पे पल्लू रख के बोली, वहाँ सब ठीक है, वहाँ तो हमारी ससुराल है। हमने कहा, लखनऊ वाले क्यों बैठे हैं? बोली, क्या बात कर रहे हैं, वहाँ तो हमारे वो बैठे हैं। तो मैंने कहा, कानपुर वालों को क्यों भुना है? कानपुर बिजली नहीं आती। कानपुर वालों को क्यों भुना है? गलती आप ही लोगों की है, कोयला मंत्री श्री प्रकाश आप ही ने चुना है। वो धन्यवाद। अभी पिछली दिवाली में एक
कॉमेडी एक्ट नया सोचा था। दिवाली के दौरान आप अपने स्टाफ को, अपने मित्रों को गिफ्ट भेजते हैं और बहुत सारे लोग गिफ्ट बख्शीश मांगने आते हैं, चाहे पोस्टमैन हो, चाहे आपका दूध वाला हो, सब्ज़ी वाला हो, ड्राइवर हो, आप उन्हें बख्शीश देते हैं। तो मैंने सोचा ये अलग अलग लोग अगर डिफरेंट लोगों के पास जाएंगे बख्शीश मांगने तो क्या बातें हो सकती हैं। अब मैं मीडिया से अलग बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी मंच पर फिल्म और टीवी के कलाकार भी थे, इसलिए मैं फिल्मी बात भी करने जा रहा हूँ। तो दीपावली वाला आइटम सुना रहा था कि अगर डिफरेंट कैरेक्टर्स कुछ एक्टर के पास जाएंगे दिवाली बख्शीश मांगने तो क्या बात हो सकती है। पोस्टमैन, पोस्टमैन दिवाली मांगने पहुंच गया नाना पाटेकर के पास। नमस्कार साहब। नमस्कार साहब। साहब मैं पोस्टमैन, दिवाली है ना साहब, दिवाली, दिवाली बख्शीश। नाना, अच्छा है, बहुत अच्छा है, दिवाली है, अच्छा है, पोस्टमैन, अच्छा है। लास्ट टाइम कभी चिट्ठी डाला था, बोल बोल, कभी चिट्ठी लेके आया था, बोल बता बता, आजकल चिट्ठी लिखता कौन है, भेजता कौन है, बता बता, मेरा कोई फैन मेल नहीं आता, मेरा कोई फैन है नहीं, बता बता, काहे को आया तू, आजकल इंटरनेट का जमाना, नेट का जमाना, लोग एक दूसरे ईमेल फीमेल भेजते, बता बता काहे को आया तू, बता बता, तेरे को मालूम नहीं एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है, वो मच्छर मेरे पास है, मैं तेरे ऊपर फेंकता हूँ। वो भागा, बोले दिवाली बख्शीश मत दो मगर मुझे हिजड़ा नहीं बनना है। पोस्टमैन पहुंच जाता है दिलीप कुमार के पास दिवाली बख्शीश मांगने। साहब पोस्टमैन, दिवाली, ये दिवाली है, कमाल का त्योहार है ये, सुना है आपने, सुन रहे हैं आप, दिवाली में जो है लोग नए कपड़े सिलाते हैं, भगवान राम ने जब रावण का नाश किया और माता जानकी को लेकर जो अयोध्या पधारी थी उसी खुशी में पूरी अयोध्या को सजाया गया था, सुना आपने। साहब ये मालूम है, इसीलिए तो आया हूँ, इतना आइडिया है। और ये दिवाली जो है इसमें लोग एक दूसरे को बख्शीश देते हैं, शक्कर के खिलौने खरीदते हैं, मिठाई बांटने के चलन है, लोग घर की सफाई भी करते हैं। साहब आप दिवाली पर निबंध लिखा रहे हो, साहब दिवाली बख्शीश दे दो मैं जाऊं। और ये जो दिवाली जो है, पोस्टमैन भागा, बोले ज़्यादा रुकूंगा तो क्रिसमस भी हो जाएगी। मोहल्ले का चौकीदार पहुंच जाता है अमिताभ बच्चन के पास इसमें लास्ट। नमस्कार साहब, साहब जी नमस्कार, साहब साहब नमस्कार, साहब दिवाली है साहब जी, मैं वो छोटा आदमी, मैं छोटा आदमी है, मेरी दो छोटी छोटी बीबी है, साहब जी दिवाली है साहब, दिवाली दे दो साहब जी, दिवाली दे दो। अरे भैया ऐसा है, दिवाली के दिन कोई अगर हमारे दरवाजे से खाली जाए ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं, नहीं। अरे भैया कैडबरी लाइए, कैडबरी लाइए, मुंह खोलिए, ये लीजिए, कुछ मीठा हो जाए, हैप्पी दिवाली। आए साहब जी आप तो बहुत कंजूस है साहब जी, बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है साहब जी, कुछ दिवाली दे दो दिवाली। अरे भैया खोपड़िया में दर्द है, यहाँ आइए, ये लीजिए ठंडा ठंडा कूल कूल, खोपड़िया रहेगी तंदुरुस्त, नूरानी तेल। साहब जी आप मजाक मत करो साहब जी, दिवाली है साहब जी, दिवाली। अरे पेट में गड़बड़ है, ये लीजिए डाबर का हाजमोला, पेट होगा तंदुरुस्त। साहब जी आप तो बहुत विज्ञापन किया है, फिर आप हमको सीमेंट भी खिलाएगा। साहब जी आपको विज्ञापन के सिवा कुछ भी याद नहीं है। अरे याद से याद आया, 30 दिसंबर ना भूलिएगा, पल्स पोलियो डे, दो बूंद जिंदगी के लिए आए। समझ गया साहब जी, ये दिवाली में कुछ भी नहीं मिलेगा। अरे कुछ भी नहीं मिलेगा, सन 2012 की दिवाली में आपको क्या मिलना चाहिए, आपके ऑप्शंस ये रहे, ए 1.5 किलो काजू बादाम, बी पिछले साल के जले हुए पटाखे, सी 11 रुपए के चेक टीडीएस काट के, या फिर डी घर के पुराने कपड़े। सुना था मगर देख भी लिया, बहुत कंजूस है। ठीक है साहब जी, ए काजू बादाम। ओके तो ए काजू बादाम पे ताला लगा दे। साहब ताला लगाएगा तो कैसे देगा, खोल दो साहब जी। ओके तो ए काजू बादाम जो है, पाओ
ओ समय समाप्ति की घोषणा। अफसोस इस साल आप कुछ भी नहीं ले पाए, अगले साल फिर ट्राई कीजिएगा, मैं यहीं पर मिलूंगा। धन्यवाद। राजू जी कैसे बधाई देंगे, क्योंकि हार तो हुई है लेकिन कहीं ना कहीं गर्व से सर ऊंचा भी होता है। इतना सम्मान दिलाया देश को इन महिलाओं ने। महिलाओं ने गर्व तो बढ़ाया देश का, लेकिन एक बात मैंने छुपा रखी है, किसी को नहीं बताया, पहली बार बता रहा हूं। मैं दौड़ में मेडल ले आऊं मैं खुद यूं, 100 मीटर की दौड़ दौड़ा लो, 500 मीटर की दौड़ दौड़ा लो, मैं गोल्ड ले आऊं, लेकिन क्यों नहीं लाया? एक बार लेके आ जाओ, घर में कौन झेलेगा, जाओ दौड़ के दही ले आओ, जाओ दौड़ के सब्जी ले आओ, तो वो भी संभालना पड़ता है। लेकिन नेहा जी आप जो बात कर रही हो वो बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन हम लोग मऊ जा रही थी जब न्यूज में देख रहे अतीक का मकान गिर रहा है, बड़बड़ा के गिरा, मुख्तार अंसारी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं। अच्छा यूपी यूपी आ गए? नहीं आ नहीं रहे थे, नहीं नहीं आ गए वो आ रहे हैं, देखो वो आ रहे हैं, बिरयानी खाते आए रास्ते में हैं। अपराधी मनोज भैया वो कार पलटी जा रही है। नहीं नहीं मैं सच्ची पलटी थी, सच्ची पलटी थी भाई, तो ये कारें पलट रही हैं, बिल्डिंगें गिर रही हैं अवैध है? और हम लोग न्यूज व्यूज में देख रहे हैं, आज तक में देख रहे हैं, मऊ जा रही, आप गुस्से से बैठी हो। मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं है, मैं तो ये कह रही हूँ आप तो मुस्कुराओ, इतनी बड़ी बात कर दी, कल साइकिल यात्रा, इतनी बड़ी बात हम जल्दी करते नहीं है। आज की आज मेरे साथ जो बवाल हुआ है मनोज भैया, सब मेरे पीछे पड़े हैं, एक से हम सुप्रिया जी सिंपली मैंने भैया एक आदमी से कहा कि लखनऊ में वैक्सीन कहाँ लग रही है, तो ऐसे कि बाएं हाथ में लग रही है, बाएं हाथ में। हमने कहा एड्रेस तो बताओ यार। हमने कहा छाती में लग रही थी, बाएं हाथ में तो लग रही पता है, तो कह रहे नहीं हम बता दें आपको, गलत फहमी ना रहे, कम कम आफत है हमारे सर पे। कुछ चीजें उत्तर प्रदेश में जबरदस्ती की लिखी हैं, इनका कोई फॉलो नहीं होता, मैं महाराज जी से विनती करूंगा कि इनको बदलवाएं, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है उत्तर प्रदेश में। लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर निकलो वहां बड़ा बड़ा लिखा है लखनऊ नगर निगम आपका स्वागत करता है, हम 1.5 घंटे खड़े हो गए, हमने लिखा है तो कोई स्वागत करेगा, एक आदमी नहीं आया। एक जगह वहां चारबाग स्टेशन पे लिखे हैं, ये किसका दिमाग, वो आदमी नहीं मिल रहा हमें, चारबाग स्टेशन पे क्या लिखा है, कृपया बाएं हाथ से चलें, किसी का बाप नहीं चल सकता बाएं हाथ से। मैंने कोशिश किया, कोहनी छिल गई। एक सबसे गंदा जो लिखा हुआ है, मैं यहां की मेयर से तो मैंने बता दिया, उन्होंने कहा मैं इसको बदलवाऊंगी, वहां लिखा है सच्चे देशभक्त बनिए, ईमानदार बनिए, तो हम कायस्थ लोग बकवास हैं, सब कुछ बनिए हैं, नहीं बनिए भी हैं सच्चे देशभक्त, मगर अवस्थी भी हैं, यादव भी हैं और तिवारी भी हैं, सब लोग हैं, सच्चे देशभक्त बनिए, ईमानदार बनिए, यही है, चला लो देश भी तुम्हें। एक ये तो मैंने महाराज जी को बताया, महाराज जी भी हैरान हो गए, योगी जी, हमने कहा महाराज जी वहां बड़ा अजीब लिखा हुआ है आपके बंगले के बाहर, तो ऐसे कि क्या लिखा है, हमने कहा वहां लिखा है यहाँ पेशाब करना मना है, तो हमने कहा ठीक है चलो अच्छी बात लिखी है, तो बोले तो ठीक लिखा है, हमने कहा नहीं वहां नीचे कोई कर्मचारी आपका लिख गया जोर से लगी हो तो बात अलग है। उन्होंने अधिकारियों को बुला के डांटा। तो ये चल रहा है देश में, पहले ये ठीक करो, 300 प्लस सीटें तो आ ही रही हैं, वो तो हाँ पहले ये ज्यादा जरूरी है। एक घर के बाहर लिखे हैं बच्चे दो ही अच्छे, हमने कहा चलो भाई परिवार नियोजन का संदेश दे रहे हैं, बच्चे दो ही अच्छे, घर के अंदर गए 6 बच्चे आंगन में खेल रहे हैं,
हमने बाहर लिखा है अपने बच्चे दो ही अच्छे हैं। नहीं नहीं भाई साहब, बच्चे दो ही अच्छे हैं, चार बदमाश हैं। नया हो जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा तो ठीक हो जाएगा। बस ठीक है, तो वक्त बताएगा। फिर राजू जी, अब थोड़े सीरियस बात भी कर लेते हैं। आप फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल का हिस्सा हैं। जी जी। 4 साल बाद फिल्म सिटी की याद आई इस सरकार को। 4 साल पहले कभी कोई जिक्र नहीं हुआ। इसकी मांग चल रही थी 25 साल से। 25 साल से मांग हो रही थी। आप मतलब बहुत छोटी थी, आपको तब आप उतना न्यूज नहीं देखती होंगी। तो पहले अखिलेश जी की सरकार में ये हुआ कि भाई पत्थर लगा, उद्घाटन वगैरह हुआ उन्नाव की तरफ, सबको मौज आ गई, सब पत्थर देख के खुश हो गए। तो उधर से वो जब भी निकलते हैं तो पत्थर देखते हैं, बोलते उनको किसी ने बताया ये पत्थर ही फिल्म सिटी है। उनको भाई उनकी लाइन नहीं है, अखिलेश जी की मायावती जी का ये प्रोफेशन नहीं है, भाई फिल्म सिटी से उनका क्या संबंध। वो सोचे यही होती होगी फिल्म सिटी, हाँ एक पत्थर लगा ये कर दिया गंगा किनारे फिल्म सिटी बन गई। उनको बताया नहीं फिल्म सिटी होती है स्टूडियो होता है, बोले नहीं नहीं वो अभी नहीं, वो योगी जी कराएंगे। खैर तो योगी जी के बारे में पूरा प्रदेश ही नहीं पूरा हिंदुस्तान जानता है कि जो चीज़ ठान लेते हैं वो करते ज़रूर हैं और अवश्य करते हैं, वरना फिर गाड़ियाँ पलटने लगती हैं। और ये जो फिल्म सिटी का हुआ है ना, उसके साथ साथ जेवर के एयरपोर्ट को भी ध्यान में रख के देखना चाहिए। इतना बड़ा, मैं चूंकि सिविल एविएशन का मैं स्टैंडिंग कमेटी मेंबर भी हूं एज सांसद, तो अगर उस पूरे स्वरूप को जेवर, जेवर से दिल्ली के बाहर बाहर एयरपोर्ट जो मेन एयरपोर्ट है दिल्ली का, तो मेट्रो लाने की भी बात थी, पूरा कनेक्टिविटी उसको। जी हाँ, वो लाने की बात नहीं, वो ऑलरेडी प्लान में है, मेट्रो का हमें नहीं पता, लेकिन एक 6 लेन हाईवे जेवर से एयरपोर्ट दिल्ली को जोड़ना, और वो जेवर के एयरपोर्ट से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पे इतना बड़ा फिल्म सिटी का पूरा प्लान है, जगह जगह मैं निश्चित हो चुका है। जी वो मेरे विभाग है, मैं कोई पागल थोड़ी यहाँ बैठा हूँ। मैं ही चेयरमैन हूँ। अच्छा, नेहा को पता भी नहीं। आपका तारुफ तो मैंने कराया था, आप उर्दू में बोले, उसके बाद आपका परिचय, उसके बाद आपका परिचय आपने खुद दिया, आपने इतने रंग भरे हमारी इस महफिल में। हाँ। लेकिन अब अच्छी बात भी तो कर, अच्छी बात कर बोले जा रही हो तो उसमें क्या है कि वहाँ मेट्रो स्टेशन, वहाँ पे मालिनी जी 2 जाके चिन्हित हो गए, और हाईवे के साथ साथ पैरेलल रोड भी बन गई है, अंदर भी रोड्स बन गई हैं, और इलेक्ट्रिक और पानी की व्यवस्था हो गई है, और जेवर एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक वो ड्राइवरलेस टैक्सी बहुत जल्दी वहाँ चालू हो जाएगी, प्लान में आ गई, क्योंकि वहाँ एम्यूजमेंट पार्क भी फिल्म सिटी के अंदर है। तो ये सिर्फ फिल्म सिटी तक ही सीमित नहीं, ये टूरिस्ट स्पॉट भी होगा, लोग घूमने भी आएंगे, देखने भी आएंगे। तो इलेक्ट्रिक वाली कार नहीं होती है, देखी है मैंने, बड़ा देखी हो, कहाँ बनी है? मैं ऑटोमोबाइल्स कवर करती हूँ, मेरी अच्छा। बीट है वो। ओके। तो मैं हर साल ऑटो एक्सपो में जाकर, अरे वो सब झूठ बात है। तो जेवर एयरपोर्ट से वहां से आएगा मतलब इलेक्ट्रिक कार, वो 8-8, 9-9 लोग उसमें बैठ सकते हैं, ड्राइवर लेस होगा, वो अलग व्यवस्था हो गई है। इस सोमवार को DPR प्रस्तुत किया जा रहा है हमारे रेस्पेक्टेड माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, योगी जी के सामने। एक बार DPR अप्रूव हो गया तो फिर इसकी बिडिंग चालू हो जाएगी, और हम लोग 1 महीने के बाद इसका शिलान्यास कर लेंगे, असली वाला, वो वाला नहीं कि खाली पत्थर देख रहे हैं। असली नकली क्या होता है? असली नकली होता है जो बस पत्थर गाड़ा और चले गए, बाद में सुअरिया ने पत्थर गिरा दिया, सुअरिया घिसती है ना इसे। हाँ वो देख सुअरिया। माली जी झूठ नहीं बोले, जो पत्थर होता है आपको बहुत पता। तो फिर वो इसलिए पत्थर गिर जाते हैं, तो इसलिए पत्थर के भरोसे नहीं रहना चाहिए, सचमुच का शिलान्यास करके
और उसको कंप्लीट करना चाहिए। ये सिर्फ फिल्म स्टारों और हीरो हीरोइन तक की बात नहीं है, ये लाखों युवाओं के लिए रोजगार का विषय है, इसलिए मामला गंभीर है। लेकिन ये सब बातें मैं हंस हंस के इसलिए बता रहा हूँ कि बन कोई वो थोड़ी रहा है, ऑफिस थोड़ी बन रहा है, फिल्म सिटी बन रही है जहाँ नाच गाना होगा, तो नाच गाने की तरह हम बता रहे हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर जरूर बताना चाहूंगा, आप बताओ, ये फिल्म सिटी के संग संग कला की जो आपने बात की, पूरे देश भर के कलाकारों के लिए भी वहां पर ये व्यवस्था है कि जो चाहें अपने लिए, चाहे संस्थान के रूप में अपनी एकेडमी, अपना ऑडिटोरियम, उनको भी इसमें भूमि आवंटित की जाए। तो इसको सिर्फ फिल्म सिटी के रूप में नहीं देखा जाए। और आपको आश्चर्य होगा, मैं नाम लेके बताना चाहूंगी कि जिस समय ये हलचल चल रही थी, न्यूज में आ रहा था कि माननीय योगी जी का ऐसा प्लान है कि वो फिल्म सिटी के लिए पहल कर चुके हैं, तो उस समय दो देश के बड़े कलाकार, एक मैं जरूर नाम लेना चाहूंगी राशिद खान साहब कलकत्ता से, उन्होंने मुझे फोन किया। वो बदायूं सहसवान घराने के बदायूं में उनका जन्म हुआ और उन्होंने कहा कि मैं अब वापस आना चाहता हूं, क्या इसमें हमको जमीन मिल सकती है कि शागिर्दों को पे हम यहां पर सिखाएं, और मैं यूपी लौटना चाहता हूं। और मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूं, उन्होंने मुझसे फोन पे कहा। और ये एक बहुत बड़ा भरोसा है कि एक कलाकार को यदि ये लगे कि वो वापस अब आकर के 50 साल बाद यूपी वापस आकर यहां पर सिखाए। पंडित बिरजू महाराज जी, उन्होंने भी मुझसे कहा कि हम लोग यहां पर आकर, क्योंकि वो कई लोगों ने कहा कि ये किस रूप से, कैसा इसका प्रारूप है, चूंकि बहुत बड़ा, बहुत विहंगम, और कल्चर में फिल्म विल बी अ पार्ट ऑफ इट। इसके अलावा ऑडियो एडिटिंग और आर्ट के जितने, और जो अम्यूजमेंट पार्क बताया राजू जी ने, वो सारी चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा है कि 2 साल के बाद मेरे ख्याल में पूरी शेप आएगी इसके। मान लीजिए, और सावन का महीना चल रहा है, आज भी मेघ मल्हार जमकर बरसे हैं, लखनऊ की धरती पूरी तृप्त हो गई है। हाँ। ऐसे में मालिनी जी का एक गाना ना हो, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। अब ये देखिए, सावन का महीना है, बिल्कुल सही है, और ये यहाँ पर चारों ऐसे बैठे हैं कि हम लोग मेरे ख्याल में दशकों, कितने मंचों पे ऐसा हुआ है कि हम चारों उपस्थित रहे, बाकी सब आपको ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल, चूंकि बात यहाँ पर अभी हो रही थी, मुझे लगता है सावन में राखी आती है, सावन में लिवाने के लिए भाई आता है अपनी बहन को, लेकिन अब कुछ भाई बदमाश हैं, वीडियो कॉलिंग में देख लेते हैं। नहीं, और कुछ बहनें भी बदमाश हैं, जाना नहीं चाहती मायके, वही तो गाना है। हाँ, सही। चाहे भैया रूठे चाहे जाए, चाहे भैया रूठे चाहे जाए, सावनवा में नाही जइबे ननदी, चाहे भैया रूठे चाहे जाए, सावनवा में नाही जइबे ननदी, सोने की थरिया मा अरे जौना परोसली, चाहे भैया जी में चाहे जाए, सावनवा में नाही जइबे ननदी, चाहे भैया रूठे चाहे जाए, सावनवा में नाही जइबे ननदी। तो यहाँ यूपी में लड़कियों का ये हाल है, वो यहीं रहना चाहते हैं, जाना नहीं चाहते यहाँ से बाहर कहीं। जी में का मतलब भी बता देती ना, क्योंकि काफी सारी जनता सब समझ गए। नहीं, मतलब समझ गए मेरे ख्याल में। नंद भौजाई सहेली है और भाई लिवाने आया है, लेकिन अपनी सहेली नंद से ही कह रही कि चाहे भाई आज रूठे चाहे चले जाए, मैं उनको रच रच के भोजन कराऊंगी, सब करूंगी, लेकिन उनके संग अपने मायके नहीं जाऊंगी। यानी इतनी प्रसन्न है, इतनी मगन है ससुराल में, पूरे सुख में, वो आनंद में, मायके नहीं जाना चाहते। रहुआ जी, पार्टी दफ्तर से कॉल आ चुका है कि किस तरीके से आपको भूमिका निभानी है इस बार चुनाव में, कहां कहां जाना है, कहां कहां कैंपेन करना है। अभी तो नहीं, पर जब आदेश मिलेगा तो निकलेंगे, हम लोग जाएंगे, अभी तक तो ऐसा कोई आदेश आया नहीं है। पर अभी रक्षाबंधन की बात हो रही थी तो मुझे राजू भैया की अभी याद आई। राजू भैया घर से फोन आया था, कुछ शिकायत इनके घर से आई थी। हाँ, क्या रक्षाबंधन को लेके? मेरे बहुत शिकायत है, बता दीजिए जरा। हाँ। वो जो आपको रक्षाबंधन, हाँ, अरे मेरी बुआ और हमारी बहन सब नाराज चल रहे हमसे। वो हमारी बहन हमसे बोली, राजू अब तुम हम लोग को भूल गए, हम लोग सगे हैं, सगे खून है, हमें भूल गए, अब दीदी किसको बनाए, ममता बनर्जी को, अब राखी उन्हीं से बंधवाना, हम लोग तो मर गए।
अब बुआ, अब बुआ बुआ वही हैं, लखनऊ जाओ बार बार वही बुआ हैं मायावती। हाँ हम लोग अब नहीं, वही बुआ हैं, वही दीदी हैं, सगे वाले सब मर गए, अब तुम्हारे लिए यही हैं। तो हमने कहा ऐसे काहे बोल रही, तो ऐसे तो हमारे मामा भोपाल में रहते हैं शिवराज सिंह चौहान। तो बोले हाँ वही तो है मामा है, सब बने तुम्हारे। तो हमने कहा ऐसी बात क्यों कह रही हो। तभी पीछे से एक पड़ोसन बोली कि हमारे पति बीमार हैं, हमारे पति बीमार हैं, ट्रेन से आए हैं कानपुर। हमने पति तो आपके सामने बैठे हैं। नहीं, राम कोविंद राष्ट्रपति। अब पूरे राष्ट्र के जो पति हैं तो हमारे भी पति हैं। तो हमने कहा ऐसे तो हमें चाचा का प्यार ही नहीं मिला, हमारे चाचा मर गए पहले ही। तो वो कौन? हम नेहरू चाचा। तो मेरा मानना है ये जबरदस्ती के रिश्तेदार हम लोगों को थोपे गए हैं, जितने हैं उनको निभा नहीं रहे हैं। मायावती जी ने हमें आज तक एक चॉकलेट नहीं दिया और हैं बुआ। तो ये जो है रिश्ते, मैं तो फिर मायावती जी बोलता हूँ, नहीं तो मेरी बुआ गुस्साती है, चप्पल मारेंगे, वही अब बुआ है। तो ये चल रहा है। ज्यादा दीदी भी मत बोलिए, फिर माफी मांगनी पड़ सकती है आपको दीदी से। दीदी और दीदी पे बहुत बवाल हो गया था, इसलिए थोड़ा दीदी संभल कर। ओ दीदी, ये तो बहुत प्यार से कहा था उन्होंने, पता नहीं किसने घुमा दिया। हाँ एकदम अच्छे से कहा था। हम लोग भाई दीदी दूर खड़ी तो ऐसे तो कहेंगे दीदी, फिर नहीं सुना ओ दीदी। ये थोड़ी साथ में कहा था भाई बहनों। तो ये तो बहुत अच्छा प्यार और रेस्पेक्ट का है इस तरह से पुकारना। मनोज जी, क्योंकि शिलान्यास की एक जिक्र यहाँ पर राजू जी ने किया है, असली शिलान्यास नकली शिलान्यास, लेकिन इस बीच एक शिलान्यास हो चुका है राम मंदिर का। वक्त पर आएगा राम मंदिर, क्योंकि जो डेडलाइन जो समय सीमा दी गई है जो तय की है उस पर खरा उतर पाएगा? निश्चित रूप से, इसमें कोई संदेह किसी को होना नहीं चाहिए। न सिर्फ समय पे होगा बल्कि दुनिया का एक अलौकिक, वैसे तो वो अलौकिक है ही अपने महत्व से, लेकिन जितने संघर्षों के बाद पुनः शिलान्यास हुआ, कल 5 अगस्त था, वो दृश्य हमें आज भी याद है, रामलला के सामने लेटे हुए नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री और बगल में खड़ा हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री। तो मैंने तो उस पे गीत भी गाया कि 5 सदी के इंतजार को मिलकर हमें सजाना है, जहां जगत में राम पधारे उसी अयोध्या जाना है। विश्वनाथ जी कॉरिडोर से विंध्याचल को मिलाना है, अष्टभुजा से विंध्याचल तट सुंदर भव्य सजाना है, सबका साथ विकास में रहे वो विश्वास जगाना है। ये हमारा रास्ता है, हम उस पे चल रहे हैं। सियावर राम चंद्र की जय। ये मैं मेरा ये मानना, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं कि हम लोगों ने 5 सदी के उस संघर्षों के बारे में सुना ही था, और इतने देश में देखिए इतने विद्वान हैं, इतने महात्मा हैं, इतने ऋषि हैं, सब अतिविवेकवान लोग हैं, लेकिन ईश्वर ने, भगवान श्री राम ने नरेंद्र मोदी जी को और योगी जी को चुना उसके शिलान्यास के लिए। इसके इशारा को हम आप क्या समझें? समझने वाला तो समझ रहा है, बस हम फोकस्ड हैं, सही समय पे बनेगा नेहा जी। और मैंने कहा ना, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के साथ, वरना इस पे न जाने कितने लोगों ने कितनी धमकियां दी, क्या क्या करने का बात कहे, और शांति के साथ हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि
कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, हम का मतलब बीजेपी, बीजेपी ने जो जो कहा है ऑलमोस्ट किया है, आगे भी जो कह रहे हैं करेंगे। निरहुआ जी, पीछे भी एक ये उत्तर प्रदेश फिल्म सिटी में आपका स्वागत है, ये बोर्ड कभी हम देख पाएंगे? क्योंकि एक डीपीआर तक तो तैयार हुआ नहीं है, किस तरह की रूपरेखा, कोई ऐसा प्रोजेक्ट ध्यान में रखकर उसी की तर्ज पर बनाना, क्या है प्लान, किस तरीके का होगा ये फिल्म सिटी? मुझे लगता है कि इसका जवाब देने के लिए राजू भैया यहाँ उपस्थित हैं और इन्होंने बताया भी जी जी कि सब कुछ तैयार है और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने। राजू जी, डीपीआर तैयार है? एक तो ये बोर्ड जबरदस्ती नहीं है ये बोर्ड वहाँ लगा है दो जगह पे लगा है। वो तो अभी जो मौजूदा फिल्म सिटी है उसे लेकर लगा हुआ है, लेकिन जिस फिल्म सिटी की हम बात कर रहे हैं, जिस फिल्म जहाँ सब न्यूज चैनल है जी, हाँ, जहाँ पर हमारा एड्रेस है, जहाँ हमारा दफ्तर है, तमाम दूसरे वो फिल्म सिटी तो अच्छा है, लेकिन ये फिल्म सिटी बाकायदा फिल्मों की शूटिंग के लिए और पूरा प्रोफेशनल और कमर्शियल होगा, जहाँ विदेश से भी क्रू आएंगे और हम वैसे भी हिंदी फिल्मों के लिए और स्थानीय भाषा की फिल्मों के लिए सब्सिडी देते हैं, तो हमें एक बहुत ज़रूरत थी कि उत्तर प्रदेश में एक फिल्म सिटी हो और वो सपना साकार होने जा रहा है, बहुत जल्द होने जा रहा है। और हमें लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हमसे कहा है कि इसमें 2022 के एंड तक वहाँ लोगों की फिल्मी शूटिंग शुरू हो जाएंगी। और उसमें एक बड़ी सोच के साथ डीपीआर नहीं बना, ऐसा नहीं है, डीपीआर फाइनल स्टेज में है और वहां मार्किंग है सबकी, डीपीआर बना हुआ है, बट आप देखिए वहां पे बगल में यमुना जी हैं, नदी भी है, अरावली के प्रवरवर श्रृंखला भी है, एक सिनेमा का पूरी दुनिया का वो सबसे आदर्श जगह बनके खड़ा हो सकता है, विश्व रूप में भी देखना चाहिए फिल्म सिटी हो। और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ जो स्टूडियोज बन रहे हैं वो जो है वो पूरे भारत के लोगों के लिए गर्व का विषय होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए है, वो पूरे भारत के लोगों के लिए, कि एक ऐसा स्टूडियो और ऐसा वहां पे ये फिल्म सिटी बन रही है कि सिर्फ हिंदुस्तानी फिल्म के ही नहीं बल्कि विदेशों से, वहां से भी लोग आके वहां पे काम करेंगे जी। तो ये बहुत बड़ा विषय है, उसको हल्के में मत लीजिए आप लोग, मुझे लगता है। राज जी जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमेशा जातियों की बात होती है और कल हमने देखा किस तरीके से साइकिल रैली निकाली अखिलेश यादव ने, हर कोई ब्राह्मण सम्मेलन करने में लगा हुआ है, सपा हो बसपा हो, लेकिन आपने अभी कहा ना कायस्थों को कोई पूछ नहीं रहा है, ऐसे ही और भी तमाम जाति होंगी जिन्हें लगता होगा मैं कोई पूछ नहीं रहा है, कायस्थों की कोई खास वैल्यू है ही नहीं कायस्थ जो है संगठित नहीं है, तो हम लोग ये कह देते हैं कि भाई हम लोग भारतीय हैं, है ना, हम लोग भारतीय हैं, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि हम सब वोट बीजेपी को देते हैं और जो सच्चाई है वो बिल्कुल फैक्ट है। सो पढ़ाई लिखाई वाले लोग है ना, कलम के पुजारी, हाँ पढ़ाई लिखाई से मनोज जी इस बार के तो बच्चे इतने भाग्यशाली थे निरोवा कि बिना इम्तहान हाई स्कूल पास इंटर पास, ये सुविधा हम लोग टाइम पे नहीं थी, आप दोबारा दे दीजिए इम्तहान। अरे छोड़ो, और कोई काम नहीं क्या, तो ये सुविधा अच्छा, जब सब पास किए गए हैं मान लीजिए तो भी उसमें 0.63% फेल हुए हैं, हमने कहा इनकी लिस्ट बनाओ, इनको अच्छे से पोलो पोसो पालो, आगे भविष्य के नेता यही हैं। सब पास होने तब भी फेल हो रहे तो खैर बीजेपी जो है जात पात की बात में भी विश्वास नहीं रखते, जैसा कि मनोज जी ने बताया, सबने बताया, निरहुआ ने बताया, क्यों करेगी, आप देखिए सबको साथ, जब हम लोगों ने डायरेक्ट ट्रांसफर शुरू किया, नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश में उस व्यवस्था का लाभ ले रहे हैं, तो हमने ये थोड़ी सोच के किया कि किस जाति के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर जाएगा, 1,27,000 करोड़ रुपया हमने देश का सिर्फ इसलिए बचा दिया कि हम डायरेक्ट ट्रांसफर में चले गए, आज उसकी देन है
देखिए बीजेपी का रास्ता बहुत बड़ा है, क्योंकि बीजेपी जय श्री राम कहती है तो जय भीम कहने में भी हमें संकोच नहीं होता, लेकिन किसी दूसरी पार्टी से आप जय श्री राम कहलवा के देख लीजिए। हम जय अंबेडकर कहने को तैयार हैं, कहते हैं, दिल से कहते हैं। हम जय समाजवाद कहने को तैयार हैं, जरा उनसे कहिए जय श्री राम कह के दिखाएं। तो हमारी सोच हर प्रकार से एक ऐसी है जिसमें देश के जन जन को, कुछ को आज आया है कुछ को कल होगा, विश्वास सबको होना होना है, ऐसा मेरा विश्वास। निरहुआ जी, जी जिस जुगलबंदी की बात हुई थी और आपका और मनोज जी का तो सफर पुराना रहा है, वो उसकी एक वानगी एक मिसाल यहाँ इस मंच पर। हाँ बिल्कुल 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 होना ही चाहिए। पर भैया ने जो बात कहा उसको मैं पूरा करता हूँ कि भैया विश्वास अब आ गया है लोगों में, आ गया इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले तक जब मैं अपने गांव गया था तो मैं जब अपने चाचा को बाकी लोगों को कहता था कि वैक्सीन लगवा लीजिए तो बोलते थे भाजपा का नहीं लगवाएंगे। हाँ ऐसा था। अब वो लोग फोन कर रहे हैं कि भैया दिनेश वैक्सीनवा लगवा दे, तो बोले कहाँ है, तब तो बोल रहे थे अखिलेश भैया लगवाएंगे, तब लगवाएंगे। अखिलेश जी भी पहले नहीं लगवा रहे थे। जिन नेताओं ने कहा कि ये बीजेपी की वैक्सीन है उन सब ने छिप छिप के जैसा। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो हम बोले कि आप लोग तो बोल रहे थे भाजपा का वैक्सीन है नहीं लगवाएंगे, तो जब सपा की सरकार आएगी तब लगवाएंगे, आप लोग तो ऐसा बोल रहे थे, मेरे गांव के ही लोग बोल रहे थे। तो बोले कि हाँ लेकिन जिस तरह से अखिलेश जी राहुल गांधी जी से भी ज्यादा हवा में बात कर रहे हैं, कुछ उम्मीद लग नहीं रहा है कि ये लोग फिर वापस कभी आएंगे, तो हम लोग यही लगवा लें, जान बचाना है। सही बात है। तो लोगों में भरोसा हो गया है कि फिर जो है योगी आदित्यनाथ जी ही आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ही आ रही है। शिवपाल जी 5-6 वैक्सीन लगवाए हैं। एक पत्नी 500 ग्राम सोना रख सकती है, ये नियम फारूक अब्दुल्ला साहब ने करवाया होगा। 500 ग्राम सोना रख सकती है तो 4 बीवियां। वैसे 2016 का सबसे बड़ा जुमला क्या था, 2016 का सबसे बड़ा जुमला था, अरे कुछ गुंजाइश है क्या, कुछ चांस है, हमारे अपने ही नहीं बदले अभी तक। वैसे इस साल बहुत सर्दी पड़ने वाली है, सर्दी इसलिए पड़ेगी कि अच्छे अच्छे लोगों के नोटों की गर्मी खत्म हो गई है, सर्दी बहुत जबरदस्त होगी। अभी रामदेव की बात कर रहे थे, बाबा जी की कल आए भी थे, मैंने उनको हंसाया भी था। वैसे आज एक बहुत बड़ा दिन है जिसको हम लोग मिस कर रहे हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, उसकी मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। आज सलवार दिवस है, आज ही के दिन रामलीला मैदान में बाबा रामदेव याद आ गया क्या? नोटबंदी पे फारूक साहब, मैंने नेताजी से मुलाकात की, उनके जन्मदिन पे गया, नेताजी मुलायम सिंह जी, उनको प्रणाम करके मैंने कहा कि मुलायम सिंह जी 500 रुपये और 1000 के नोट बंद हो गए हैं तो इस पर आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कुछ तो चल रहा होगा। वो बोले हावे उत्ता पे साका बाकाई हमारे नेताजी कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस यही चल रहा है। लेकिन इस नोटबंदी के फैसले से, मोदी जी के इस फैसले से एक बात अच्छी हुई कि मोदी जी ने मनमोहन सिंह को बोलना सिखा दिया और 10 मिनट तक लगातार बोले, अब वो 10 साल ना बोले तो कोई बात नहीं है। जैसे ही वो 10 मिनट बोल चुके, अहमद पटेल ने मैडम से कहा, मैडम ये बोल लिए अब इनको कबाट में रख दें। एयर इंडिया तो पैसे ले रहा था, पुराने नोट पे काफी लोगों ने टिकट बनवाए और चल रहा था। एयर इंडिया की खासियत है,
लोग उसका मजाक उड़ाते थे, प्राइवेट एयरलाइंस में जाते थे, लेकिन प्राइवेट एयरलाइंस तो बंद होने लगी। विजय माल्या भाग गए। किसी ने बताया विजय माल्या भागा हो भले ही, लेकिन कैलेंडर तो उसका इस बार भी छपेगा 2017 में, लेकिन इस बार उसमें मॉडल्स नहीं होंगे, इस बार उसमें होंगे बैंक के चेयरमैन। जनवरी का पेज खोलेंगे तो ICICI के चेयरमैन, फरवरी HDFC, मार्च ICICI, वो होगा, जरूर होगा, अब भी होगा। लेकिन एयर इंडिया दुनिया की पहली एयरलाइंस है जिसके अंदर आपको माँ का प्यार मिलता है। जितनी डांट मैंने एयर इंडिया में खाई है, मेरे माँ बाप ने इतना कभी नहीं डांटा। जरा सा लेट हो जाते थे एयर हॉस्टेस, अब अनेक टाइम पर झपड़ चीज के कहाँ रह गए थे, पायलट तुमको ढूंढ रहा है। लेकिन एयर इंडिया जैसा अनाउंसमेंट कर सकती है, दूसरी एयरलाइंस को 100 साल लगेगा। ऐसी प्रैक्टिस कराइए, पता नहीं छाती से बोलती हैं, एकदम हस्की आवाज में, एंड विमान AI-101 नरेटिवा। जो लोग मुझे छोड़ने गए तो वो भी घुस गए, बोले नहीं कोई चीज है अंदर, नहीं नहीं मुझे देखना है। और एयर इंडिया में पैसेंजर मेरे बगल में बैठा हुआ था, मुझे देख के बोला राजू भाई पानी चाहिए था। हमने घंटी बजाओ, सुना मारती हैं। हमने कहा नहीं पहली बार तो दे देती हैं, जानते हम एक गिलास पी चुके। सामान एक बंदा रखने लगा पीछे, वहां का रख रहा सामान, बिजनेस क्लास तो कहां रखे बुआ, वहीं प्राइवेट एयरलाइंस में आप इंटर करिए, जो वेलकम होता है ऐसा लगता है टेक ऑफ हो चाहे ना हो। आप अंदर आ रहे हैं, कहां रह गए थे हम लोग, कितने परेशान हो गए थे। नो प्रॉब्लम, फॉलो मी। पैसेंजर गोद का बच्चा फेंक के पीछे जाता है, बोलता सुनीता पकड़, ये तो होते रहते हैं। बिजनेस क्लास का कर्टन जैसे ही एयर हॉस्टेस बंद किया, वो पैसेंजर बोलता है अब औरतें नहाने जा रही हैं। खिड़की की ओर देख के बोल भैया देखो जहाज कितना ऊपर आ गया है, आदमी चीटी के बराबर दिख रहा है। हमने कहा अभी टेक ऑफ नहीं हुआ, चीटी है। अच्छा मुझे मालूम नहीं था कि जापानी लोग ओवर रिएक्ट करते हैं, छोटी सी बात पर ऐसा चेहरा बनाएंगे, ऐसा चौंकेंगे, शायद उन्होंने आपकी जेब में शायद बॉम्ब देख लिया है। मैंने सिंपली पानी मांगा, घंटी बजाई, हमने एक्सक्यूज मी आई वांट वाटर, यू आर ड्रिंकिंग वाटर, यू वांट वाटर ना जस्ट वाटर। हमने कहा इतना लफड़ा है तो कैंसिल करो, मेरा नवरात्रि व्रत चल रहा है, मैं निर्जला हूं। मैं रविशंकर प्रसाद जी से अनुरोध करूंगा कि वो जेटली जी और प्रधानमंत्री जी से निवेदन करें कि सालियों के लिए 1.25 लाख तो करें, क्योंकि साली आधी घर वाली। ठीक है, पैगाम पहुंचा दिया मैंने। अच्छा उधर ही से जी, माइक दो, कोई खतरनाक आदमी है। राजू भाई, नोटबंदी के अगले ही दिन मैंने सुना कि आप लखनऊ गए थे और वहाँ पे पेमेंट तो लिया ही होगा, खैर आपने, क्योंकि लखनऊ महोत्सव था। हाँ, चेक से। तो मैंने सुना है कि तो वहाँ पे मुलायम सिंह जी से आपकी मुलाकात हुई थी, ये आपने ही कहीं पे कहा था। तो मुलायम सिंह जी ने वो क्या बोल तो बता दो, तो दिया गा दिया है। कैसे बोले फिर वो आपको, नोट कैसे दिए उन्होंने आपको? वो तो मैंने बताया अभी, लेकिन उनके एक भाई हैं शिवपाल। कैसा चल रहा है? ठीक है, अच्छा नोटबंदी का है, चल रहा है। अब मायावती के यहाँ भी हैं, वो भी हार चेक करवाने हैं, मगर चेक कैसे करवाएं, सबके यहाँ हैं। आ,
हमेशा मैं एक मिमिक्री आर्टिस्ट, पहले हम लोग मिमिक्री आर्टिस्ट थे, अब हम लोग की तरक्की हो गई, अब हम लोग स्टैंड अप कॉमेडियन हो गए। पहले तो हमें ये लफ्ज़ ही नहीं पता था, बाद में इन लोगों से पता चला। तो अमिताभ बच्चन की बहुत मिमिक्री की। अभी नोटबंदी पे दिलीप कुमार और राजकुमार बात कर रहे हैं। राजकुमार बोलते हैं, यूं चलते थे, कई लोगों को डाउट होता था शायद उनके शू में एक में हील नहीं है। विक्रम सिंह, विक्रम सिंह, नोट तो हम भी बदलवाएंगे लेकिन हम में और तुम में एक फर्क है, हम जब नोट बदलवाएंगे वो वक्त भी हमारा होगा, बैंक मैनेजर भी हमारा होगा, बैंक भी हमारा होगा और बैंक की जमीन भी हमारी होगी। अब दिलीप कुमार का जवाब, अच्छा बैंक भी तुम्हारा होगा और जो है वक्त भी तुम्हारा होगा, बैंक मैनेजर भी तुम्हारा होगा। कमाल करते हैं आप, कमाल है। और हम जो एटीएम के सामने 6 घंटे से खड़े हैं, हम क्या पागल हैं? कुछ भी कर ले विक्रम सिंह, कुछ भी कर ले, अगर तुमने इलीगल नोट बदलवाए या दूसरों के अकाउंट में पैसे डलवाए, ये नरेंद्र मोदी तुझे छोड़ने वाला नहीं है, कुछ भी कर ले। याद रख, सुना तुमने? सुना तुमने? बोले हाँ, पैसे वापस लो। दीवार फिल्म के मैं कई डायलॉग बोलता आया हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा बताया मेरी जिंदगी की पहली फिल्म थी जो मैंने देखी, घर से अलाउ हुआ देखने के लिए। पहले तो ये था पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, अच्छे नंबर आएंगे तब देखना। तो दीवार फिल्म के एक सीन को नोटबंदी से जोड़ के देख रहा हूँ अभी, श्वेता ने कहा। दोनों भाई ब्रिज के नीचे मिलते हैं, शशि कपूर अमिताभ। अमिताभ भाई, रवि तुमने मुझे अचानक, इस ब्रिज के नीचे क्यों बुलाया? कमाल करते हैं भाई। कमाल है। उफ, तुम्हारे उसूल तुम्हारे धर्ष, तुम्हारे उसूलों को कूद के एक वक्त की रोटी नहीं बना सकती रवि। इधर 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 देखो, इधर एक वही तुम हो, एक वही हम है। हम दोनों इसी ब्रिज के नीचे से पड़े हुए। आज तुम कहां रह गए, मैं कहां पहुंच गया? आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है, क्या है तुम्हारे पास? मैंने पूछा क्या है तुम्हारे पास? भाई मेरे पास नए वाले नोट हैं, वो भी 500 के और 100 के। एक बार अंपायर दोनों कैप्टन को ले जा रहे थे टॉस के लिए। अंपायर को मालूम नहीं था कि ये कैप्टन हकला है, बोलने में अटकता है। अंपायर ने कॉइन उछाल दिया, हाँ बोलो, यही वाला। देख देख के मांग रहा है। मोदी जी की इतनी लोकप्रियता है, इतनी लोकप्रियता है कि इस बार डांडिया में क्या हुआ गुरुजी? इस बार डांडिया में लोगों ने म्यूजिक नहीं बजाया, गुजरात में और कहीं भी नो ऑर्केस्ट्रा, मोदी जी की स्पीच लगा देते थे। स्पीच लगाया, आवाज आती, भाइयों बहनों, हमारे देश में खैर, ये है लोकप्रियता की निशानी। रेलवे, रेलवे की बात हो रही थी, रेलवे पे मैंने कहा था, ये आइटम मेरा थोड़ा सा पुराना है, मैंने कहा था कि अब देश में इतनी बेरोजगारी है कि कुछ दिनों में आप देखिएगा बड़े बड़े डॉक्टर, वकील, ये तमाम लोग भी ट्रेन के अंदर घूमेंगे,
जिसे कोल्ड ड्रिंक बेचने आते ना, रतलाम में ट्रेन रुकी, आवाज आ रही है, डॉक्टर बोलो डॉक्टर, डॉक्टर बोलो डॉक्टर, डॉक्टर वाले या डॉक्टर या, ट्रेन के अंदर से धीरे धीरे आवाज आ रही, डॉक्टर या, खिड़की खोली, डॉक्टर या, ट्रेन चल रही अंदर घूम रहा, जो आइंडिस फ्लू बदन दर्द इंजो प्लास्टिक करा लो, लीवर बदलवा लो, बाईपास सर्जरी, पथरी निकलवा लो, स्टोन निकलवा लो, डॉक्टर वाले या, उसमें भी लोग बोर होंगे, ए चल उधर, ए डॉक्टर उधर, ये कहाँ चढ़ते हैं ये लोग यार, बड़ौदा चढ़ा के ये, चलो उधर, कोई बीमार नहीं यार, कोई बीमार नहीं, उतरो। वो भागा उसके पीछे जो कंपाउंडर बाल्टी में 10-20 किडनी लिए, वो भी उतरा। लेकिन अपने देश में हर एक के लिए कोई ना कोई मौजूद है, कोई खाली नहीं, सिर्फ दिमाग लगाइए। वहाँ एक उनको मिल भी गया उन्हीं के टाइप का, अरे डॉक्टर बाईपास कर दो, बम्बई जा रहे थे, अच्छा और रास्ते मिल गए। उसने वहीं खोला, वहीं शुरू कर दिया, और मरीज इधर है, देख रहा है विंडो की तरफ, हम यहाँ खुले हैं, वहाँ कहाँ देख रहे हो। दादा आप सूरत तक ऑपरेशन हो गया तो हो गया, आगे हम नहीं जाते, वहीं तक पास है। सुरेश प्रभु जी के सामने मैंने सोचा था ये आइटम बताऊंगा, लेकिन वो कल थोड़ा पहले आके निकल गए। अभी भी ट्रेनों की जो हालत है, बहुत सुधार की आवश्यकता है। हम लोग यहाँ टॉयलेट की बात कर रहे थे, वहाँ तो टॉयलेट में बैठे रहते हैं लोग, जिनके लगी हो जाते हैं इसे ढूंढते, बैठे हो, हाँ भैया बैठे का खोपड़ी भी करोगे का। ये सब चीज़ें मैं देखता रहता हूँ, मैं कॉमन आदमी हूँ, हर जगह से गुजरता हूँ, देखता हूँ ये परेशानियाँ। और एक चीज़ अजीब देखी है जो बंद होनी चाहिए, पैसेंजर होगा एक, जा रहा एक, उसको छोड़ने के लिए, सी ऑफ करने के लिए 17 लोग जाते हैं, ख़ास तौर से बम्बई में। एक जाने वाला है पैसेंजर, एक छोड़ने वाले 17, जो जाने वाला वो बैठा है, और दूसरे लोग दूसरों की बर्थ पे बैठे हैं, पूरे ढिठाई से बैठे रहते हैं। कोई आता है, अरे भाई ये हमारी बर्थ है, हाँ तो ट्रेन चलेगी, उठ जाएंगे, कोई बर्थ घर थोड़ी ले जाओगे तुम, तो रेलवे की है। अरे मगर हम तो पैसेंजर हैं, हाँ हाँ अभी चल ले दो, उतर जाएंगे, खड़े रहो, तुम्हें बैठना है। और जब तक ट्रेन नहीं चलती, उसमें से एक आदमी आगे बढ़ के पूरा समझाता है, क्योंकि ट्रेन लेट हो गई है तो बातें तो कुछ करनी है, सुनो हिसाब से जाना अच्छा, और रास्ते में कोई प्रसाद वगैरह देना खाना, बेहोश करके लूटता है, पूरा गैंग चलता है, समझे, और पूरा रिजर्वेशन का पूरा पैसा वसूल करना, बटन दबाना पंखा चलता है, बटन दबाने से ना चले जेब से कंघा निकाल के खड़बड़ा लेना, और जब तुम्हारा सोवे का दिल करे, सोने का दिल करे, तो बक्सा खोल के बक्सा के अंदर पैर घुसेड़ के सोना, हाँ नहीं तो चोर ले लेगा, समझे, कोई निकालेगा तो नींद खुल जाएगा, हाँ समझे, और गुपचुप जाओ, ये नहीं बम्बई से लौट के जा रहा था दिखा रहा कि बहुत पैसा कमा के जा रहे हैं, ये सब थर्मस थर्मस सब नौटंकी कहाँ लेके जा रहा, जूता का तकिया बनाओ, हवा वाला जूता तकिया अंदर रखो, तो हिसाब से जाने, गुपचुप जाने, पूरा गैंग चलता है, गैंग आगे ट्रांसफर कर देता है जब नहीं लूट पाता है, समझे, हैं तुम्हारा रिजर्वेशन है, सामने बास बेसन है, पैसा वसूल करना, जब तक बैठने का दिल करे अंदर बैठना, कोई खटखटाए निकलना नहीं, तो रिजर्वेशन का पैसा दिया है। अब भी ट्रेन नहीं चली तो कुछ लोग जो छोड़ने गए थे वो बाहर खड़े हैं, वो प्लेटफॉर्म पे टीवी देख रहे हैं। एक बोला, देखो चाचा जब यहाँ कोई छोड़ने आता हूँ तो हमें शिल्पा शेट्टी मिलती है, दिमाग लगाओ कुछ भी बोल देते हो, है विपाशा बसु है। दूसरा बोला, जब जस्ती मुंह खोला भक्के से बोल दिया, दिमाग नहीं तो काहे बोलते हो, गोविंदा है। अब ट्रेन के अंदर फिर टाइम पास चल रहा है जबरदस्ती, ये गाड़ी वही पहुंच जाएगी दोपहर के बाद 6-7 बजे तक गाओ, 6-7 बजे अब दूसरे को तो कुछ बोल नहीं है, 6-7 बजे तक नहीं, यह है कि शाम तक पहुंच जाएगी।
अब ट्रेन चल पड़ी, जब चल पड़ती तो अंदर कुछ पैसेंजर को पता नहीं चलता चली कि नहीं चली, तो आपस में कहते हैं, गुप्ता ये अपना ट्रेन छूटा कि बाजू वाला? अरे पूरा पब्लिक उल्टा भाग रहा, यही छूटा अपना? ए भैया यादव, अरे उठो बक्स उठाओ, लड़का उठाओ, अरे ट्रेन छूट गया, अरे उतरना भैया, अरे बगल जाओ, अरे जाने, अरे उतरे दो, अरे बक्सा लग रहा, अरे समझ, अरे धोती कौन, अरे ए जेब काट रहा, देखो जेब, अरे जेब सा गुप्ता, ए देख, अरे ए उतरे दे भाई, है अरे गड़िया गड़िया तेज हो रहा यादव, अरे देख, अरे लग रहा, अरे बक्सा लग रहा है। कूदते हैं, कुली खड़े रहते हैं, उनको मालूम है एक ना एक गिरेगा, उसको उठाना है। अब वो उठने के बाद काम की बातें अब करता है, इंपॉर्टेंट मैसेज अब देता है जो डेढ़ घंटे नहीं दिया। जाते चिट्ठी लिखना, अच्छा फौरन चिट्ठी लिख देना, और जब सुशीले के लड़का देख लिया, लड़का अच्छा है, खुद का कमाता है, खुद का खोली है, अपना खुद का उसका टैक्सी है, और जेवर बनवा बाजार भेज देना, और पैसा भेजा अभी तक रसीद नहीं पाया, और खेत जुतवा लेना, खेत जुतवा के जो है कटवा के लकड़ी कटवा के बाजार बेच के, और शुक्ल का हाथ भेजा है, मिसर्स कह देना पैसा बाकी, रुको रुको रुको, अरे तुम्हारा टिकट हमारे जेब में है। हम लोग एक चैनल पे यहाँ बैठे हुए हैं, इम्पोर्टेंट चैनल कंट्री का, बीच में चैनल्स की तो बाढ़ आ गई, कितने चैनल होंगे सर? कई सौ, एटीवी, बीटीवी, सीटीवी, ले टीवी, दे टीवी, उठा टीवी, लिटा टीवी, इतने चैनल आने से सबसे ज़्यादा अगर वो परेशान हुआ है तो वो है रिमोट। उसको मालूम है जिसके हत्थे लग गया कहाँ कहाँ उंगली करेगा मालूम नहीं। तभी आप देखिए ऑफिस से घर आते हैं तो जल्दी आपको रिमोट मिलता नहीं है, वो छुपा रहे, तो उसको मालूम है आ गया कमीना। जिसको मिल गया एक बार में नहीं लगाएंगे, पहले खेलते रहते हैं उसको। प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, ओ आज मौसम बड़ा जानम, देख लो मिट गई। बहुत खूबसूरत ड्राइव किया विराट कोहली ने, इंडिया इज वेरी गुड पोजीशन, 320 विदाउट लॉस। इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री विदेश रवाना हो गए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा, स्प्लेन रैकड़ मांडू लकड़ी ला मरे पुट चिट्टे पर कुंडुबा मरे हिंडला। आशा ममता बनर्जी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, चिरदिनी तुम्हें जे अमा, जुगे जुगे आमी तुम्हारी संगी संगी, अल हबीबी ए हबीबी हाउ अगीना अलगीना। अरफात नौर शरीफला भारत अला उलेला, अरफाता खुराफाता खुराफाता अरफाता, अलकायदा बेकायदा बेकायदा लकायदा उलेला इलेला अलकायनी, हरी धनिया पुदीना काली करता वाला गाता को आना तंग चंग 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 चंग। कहाँ जा रहे हो? पिताजी सुनेंगे तो कितने नाराज होंगे, ये दूरदर्शन है। इनकी स्क्रीन हिलती रहती है। घर में दादाजी बोलते हैं, अरे देखो ऊपर शायद एंटीने कौआ बैठा है। सबके कौवे उड़ गए, दूरदर्शन का भी बैठा हुआ है। ये तमाम चैनल्स के बीच में एक चैनल फंसा हुआ है, एफ टीवी। फैशन टीवी के बारे में घर के बुजुर्ग कहते हैं, बताइए इतना गंदा आता है, परिवार के साथ देख नहीं सकते, सबको अलग अलग देखना पड़ता है। एक दिन देखा दादा यही चैनल ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे दादा? बेटा वो चैनल लगाओ जिसमें आदिवासी महिलाएं आती हैं। ये चैनल्स। अभी मैंने एक कौवे से पूछा
तुम्हारी शादी हो गई? अरे छोड़ो, हमारी जिंदगी में पहले से काँव काँव है। कुत्ते से पूछा, आपकी हो गई? बोले नहीं, हम तो पहले से हैं। एक दिन देखा एक आदमी को होंठ जला हुआ था। मैंने क्या हुआ, होंठ कैसे जल गए, होंठ कैसे जल गए? तो बोला बस कुछ नहीं, बंद करना, पुलिस आई नहीं। होंठ जले हुए थे। मैंने क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, ऐसे जल गए। नहीं, हमने कैसे जल गए? अरे ऐसे ही जरा हो जाता है यार। हमने कैसे जल गए? अरे वाइफ को गए थे रेलवे स्टेशन छोड़ने, माँ के घर जा रही थी, वही स्टेशन गए थे। होंठ कैसे जल गए? अरे यार जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हुई, खुशी में आके मैंने इंजन को चूम लिया। अभी शाम को जिनको मैं अपना गुरु की तरह मानता हूँ, मिस्टर बच्चन आने वाला है, तो कंफर्म है उनका, वो आने त्रिशूल में एक उनका डायलॉग है, उसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। इससे पता नहीं चलता है कि ये लस्सी है या चाय। कावा कावा, सुखविंदर याद आ गया। त्रिशूल फिल्म में एक सीन था जिसमें इफ्तिखार कहते हैं, अमिताभ बच्चन एक बिल्डिंग खरीद लेते हैं जो कि मान लीजिए 10 रुपए की चीज़ है तो 100 रुपए में खरीदते हैं। तो इफ्तिखार कहते हैं, वे भी बिल्डर हैं, विजय विजय माफ करना तुम्हें, आपको धंधा करना नहीं आता। दीवार है, त्रिशूल है यार, त्रिशूल है, हाई पर ना करो। क्या हुआ? चलो अच्छा, कुछ लोगों ने नहीं सुना, वो कनपुरिया हिसाब से निकल गया था। तो विजय माफ कीजिए, आपको धंधा करना नहीं आता, अगर आप मुझसे कहते तो मैं इस बिल्डिंग का 5-10 लाख रुपए कम कर देता। तो अमिताभ कहते हैं, डागा साहब धंधा करना तो आपको नहीं आता, अगर इस बिल्डिंग के आप मुझे 5-10 लाख रुपए ज्यादा मांगते तो मैं दे देता, क्योंकि बिल्डिंग जब बन रही थी तो हमारी माँ ने इसमें मजदूरी की है, ईंटे और पत्थर धोए हैं। ये तो फिल्म का सीन था, उसके आगे मैंने चेंज किया, विजय वो माँ आजकल तुम्हारी कहाँ है? क्यों डागा साहब? मेरा यहाँ नोएडा में भी काम शुरू होने वाला है। लोग श्राद्ध के लिए जाते हैं, किसी के दादाजी नहीं रहे, किसी के नाना नहीं रहे, वहाँ श्राद्ध के लिए जाते हैं। तो एक बच्चा भी गया अपनी माँ के साथ गंगा तट पे, वहाँ पे ये खीर पूरी बना के रखी हुई है, और ये है कि भाई कौवा आता है खीर पूरी चख लेता है, तो मानते हैं उन्होंने खा लिया जिसके लिए हम आए हैं। खीर पूरी बना के माँ बेटे इंतज़ार कर रहे हैं कौवे के चखने का। उस दिन कौवा बहुत भाव खाता है, जल्दी आएगा नहीं, यूँ लहरा रहा है। लड़का, पापा आ जाओ, पापा। कौवा आया आया आया, नीचे आया और नहीं खाया और निकल गया। फिर घूम के आया, लगता खाएगा खाएगा, नहीं खाया और निकल गया। बच्चा बोला माँ से, अम्मा अम्मा तो अंदर जाओ, पापा आज भी आपसे डरते। फिर कौवा घूम के आया, घूम के आया, लगता खाएगा, इनका नहीं खाया, बगल वाले खा के निकल गया। फिर घूम के आया, इनका नहीं खाया, किसी और खा के निकल गया। वो लेडी रोने लगी, इनकी शुरू से आदत, हमारे हाथ का तो खाते ही नहीं, कभी शर्मा इनके घुसे रहते, कभी गुप्ता इनके। जब भी विकास की बात होती है, डेवलपमेंट की बात होती है, तो विकास और अपनी संस्कृति और सभ्यता, उसके बीच में एक बहुत पतली सी एक रेखा है। अब कुछ लोगों को विकास हो इस तरह से, किसी दिल्ली में बहुत घनी आबादी, मैंने देखा गाय घूमती रहती हैं, पूरा पूरा ग्रुप बैठा रहता है, उनको लगता है ये हटनी चाहिए। दूसरे हमको लगता है नहीं यार, यही तो दिल्ली की पहचान है, यही तो देख के मज़ा आता है जो न्यूयॉर्क में नहीं मिलता है।
न्यूयॉर्क अमेरिका में हो भी नहीं सकता यार, अच्छा लगता है बैठी रहती है, निकल रही है देख रही हैं कभी कभी तो पूरे चौराहे में बैठी रहती हैं ऐसे। आप जाइए, आप कार में हैं, हॉर्न बजाता रहेगा ड्राइवर, उठेंगी नहीं, उल्टे गाय कार वाले को ऐसे देखती है। फिर दूसरी गाय से बोलती है, देख मैं तो उठने वाली हूं नहीं, देखिए जबरदस्ती रुका है, ये नहीं यू टर्न करके निकल जाए। दूसरी गाय से, तो दूसरी जो ऐसे बैठी थी, लेकिन जो बाइक वाले होते हैं बाइक से उतरते नहीं है, बाइक पे बैठे बैठे गाय को उठाते हैं, हट गाय को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस थोड़ा सा हिल जाती है, तभी पीछे कोई बोला ए तमीज से गाय माँ होती है, गाय माता के समान है पता है। अच्छा अम्मा उठ जाओ, एक गाय उठ गई, अम्मा उठ जाओ, दूसरी गाय उठ गई, तीसरी उठी नहीं रही, पीछे वाला बोला ध्यान से देख माता जी नहीं पिताजी। अपने देश में एक चीज कमाल है, जो लोग कचरा करते हैं, गंदगी फैलाते हैं, पान खाया पीक कर दिया, मसाला गुटखा खाया कहीं भी थूक दिया, समोसा खस्ता खाया पत्ता कहीं भी फेंक दिया, वो लोग पूछ रहे हैं अच्छे दिन कब आएंगे। मैं कह रहा हूं बेटा अच्छे दिन तुम्हारी वजह से नहीं आ पा रहे हैं, तुम तो सुधरो पहले। क्या बात है, अभी आज तक चैनल पे बीच में न्यूज भी देख के आ रहा हूं मैं ऊपर से, अपने यहां जो होता है कमाल होता है। अभी अभी की न्यूज है पूरी साहब, अभी की न्यूज देख के आ रहा मैं आज तक पे, वो हमारे एंकर पूछ रही थी राबड़ी देवी से कि आज गांधी जयंती है आप क्या कहेंगी, गांधी जी को शुभकामनाएं देंगे और क्या। ये सच्ची सच्ची न्यूज, अभी देखा मैंने, शायद लाल बहादुर शास्त्री जी को भी शुभकामनाएं दे रही होंगी दीर्घायु की। तो जो कुछ अपने यहां होता है कमाल होता है, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान मिशन के लिए अपनी टीम में मुझे भी जगह दी, मुझे शामिल किया। मैंने इस चीज को बहुत गंभीरता से लिया है, और जहां भी जिस शहर में जाता हूं, चाहे फंक्शन हो चाहे शादी हो या वैसे जाना होता है, मैं उस शहर में जाके हाथ में झाड़ू लेके सफाई जरूर करता हूं। इस क्रम में अब तक मैं 12 13 14 शहरों में इसको मैं निरंतर करते जा रहा हूं, और मैं कोई गायक नहीं हूं, सिंगर नहीं हूं, आज तो अच्छे अच्छे सिंगर आए। अरे आप लोग हैं अभी तक, अच्छा कैसे दादा ठीक है। तो मैंने भी ये, चूंकि मैं गायक नहीं हूं, तो जो बात कहूंगा दिल से कहूंगा, मेरे शब्द हैं, मैंने आसान लफ्जों में कहा है, क्योंकि मैं कॉमन लोगों के बीच घूमता हूं, साधारण लोगों के बीच रहता हूं, वहीं से निकला हूं मैं, मैंने अपने शब्दों में हल्के फुल्के अंदाज में कहा है। ए दम 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 लगा के जोर हैया, स्वच्छ करो भारत लगेगा ना रुपया, हे दम 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 लगा के जोर हैया, स्वच्छ करो भारत लगेगा ना रुपया। अपने अपने क्षेत्र से शुरू करो ये काम, ना सोचो क्या दुनिया कहेगी क्या होगा अंजाम, अपने मन में ठान ले गंदगी न करेंगे, खुद भी साफ सफाई करेंगे औरों से भी कहेंगे। मोदी जी का सपना है ये देश भी तो अपना है, मोदी जी का सपना है ये देश भी तो अपना है, आओ मिलके हाथ बढ़ाओ कहते राजू भैया, दम 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 लगा के जोर हैया। थैंक यू। किसी सिंगर से कम नहीं गाया आपने जी, किसी सिंगर से कम नहीं गाया आपने।
मेरा ऐसे ही है, मैं सारी चीज फिर भी मैंने कभी घमंड नहीं किया। जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे। मलेरिया वाले मच्छर ने अपने बेटे से कहा, मलेरिया वाले मच्छर ने अपने बेटे से कहा, बेटा डेंगू का कोर्स कर लो, उसमें कैरियर अच्छा है, क्योंकि लोग तो सुधर रहे नहीं, गंदगी करने करना है। और डेंगू के साथ आजकल तो कमाल, मैंने नया शब्द सुना, डेंगी भी आई है। तो ये मामला चल रहा है, लेकिन क्या बताएं, अच्छा तो नहीं है, लेकिन कॉमेडी हर जगह हो जाती है। अभी मैं बिहार की बात कर रहा था, ये बिहार की बाइट देख के मैं यहाँ नीचे आया। अभी बीच में एक और न्यूज़ चैनल पे मैं देख रहा था, वहाँ कुछ टीचर से बात की जा रही थी, शायद आपने भी देखा होगा कि वहाँ क्या हालात हैं एजुकेशन को लेके। इंग्लिश टीचर से ABCD पूछा जा रहा था, नकल करते हुए स्कूल में एग्जाम करते हुए आपने देखा होगा, उसमें कॉपी, पेरेंट्स, पुलिस ने पकड़ा, उतरो उतरो, तो अपने लड़के को पर्ची दे रहे हो, अरे नकल कर ले तो साल खराब हो जाएगा, कर ले तो नकल साल खराब हो जाएगा। वहां पूछा एक टीचर से, पूछा देश के राष्ट्रपति कौन है, ये सच्ची बात बता रहा हूं, देश के राष्ट्रपति कौन है, तो कह रही है कि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पूछ रहे हैं, अच्छा तो अपने देश के पूछ रहे हैं, यही देश के जेमा हम लोग रहते हैं वही राष्ट्रपति, तो अभी तो मरे हैं अब्दुल कलाम, अभी तो मरे हैं, अब नए कोई बनेंगे तब बताएंगे ना। बताइए, इंग्लिश टीचर से उसने पूछा, आपको ABCD आती है? अब ABCD तो सबको मालूम है, तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, हर एक को तो मालूम है ABCD हमसे पूछ रहे हैं, ये नहीं बता रहे ABCD होता दो टाइप का, एक बड़का एक छोटका, तो ये तो बताइए कौन सा सुनेंगे। ये अपने यहां का हाल है। अभी दोस्तों, जैसे ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मेरा नाम अनाउंस किया बनारस के घाट से स्वच्छता अभियान के लिए, मेरे कुछ दोस्तों ने कहा मिठाई तो बनती है, मिठाई, लड्डू खिलाओ, लड्डू खिलाओ, लड्डू खिलाओ यार, प्रधानमंत्री जी ने नाम लिया है, लड्डू खिलाओ। मैंने, आजकल आपको पता है हर चीज मोबाइल पे अवेलेबल है, मैंने मोबाइल पे मिठाई वाले को फोन किया, उधर से आवाज आई, लड्डू के लिए एक दबाएं, बर्फी के लिए दो दबाएं, रसगुल्ले के लिए तीन दबाएं। तो मुझे लड्डू लेना था, एक दबाया, फिर आवाज आई, 1 किलो लड्डू के लिए एक दबाएं, 5 किलो लड्डू के लिए दो दबाएं, और 100 किलो लड्डू के लिए तीन दबाएं। तो गलती से मैं उससे तीन दब गया, अरे अरे तीन दब गया, अरे अरे बाप रे, 100 किलो तो नहीं चाहिए, तीन काटो यार। मैंने कट किया, फोन रख दिया, मैंने क्या फर्क पड़ता है, उसको कौन सा एड्रेस मिल गया। लेकिन मोबाइल वाले कमाल हैं, इस सर्विस कमाल है, वहां से कॉल बैक आया, हेलो हमें स्वीट की दुकान से बोल रही हूँ, 100 किलो लड्डू का ऑर्डर था, वो लड्डू रेडी है, कहाँ भेजना है हमें, हमारे यहाँ से फोन नहीं किया, नहीं नहीं आप ही के यहाँ से फोन आया है 100 किलो लड्डू के लिए। एक्चुअली क्या है, हम लोग सात भाई हैं, तो पता नहीं किसने फोन किया है, तो सातवें वाले से बात करने के लिए एक दबाएं, छठे वाले से बात करने के लिए दो दबाएं। इतना बोला, फोन कट। तो
ये पूरा हिंदुस्तान हमारे सामने बैठा है। सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। सब प्यारे प्यारे चेहरे, सुंदर सुंदर गोल, चपटे चपटे, लंबे लंबे, सारे सुंदर लोग स्टूडियो में ही आ गए। अब बाहर हिंदुस्तान कैसे चल रहा होगा मालूम नहीं। होली आते आते आ ही गई, लोग कह रहे थे होली आने वाली। हाँ अभी तो टाइम है, अभी तो दो महीने, अभी तो ढाई महीने। होली का गुरुमंत, होली पे गुरुमंत, ऐसी वाणी बोलिए कि जम के झगड़ा हो, ऐसी वाणी बोलिए कि जम के झगड़ा हो, पर उससे ना बोलिए जो आपसे तगड़ा हो। सबसे पहले जो लोग खड़े हैं बैठ जाएं, और जो लोग बैठे हैं नहीं वो लेट जाएं, जो लोग अपनी अपनी गाड़ी से आए हैं उनका नमस्कार, नमस्कार। जो लोग दूसरे की गाड़ी में घुस के आए उनको विशेष नमस्कार। उनके साथ प्रॉब्लम है, जब तक गाड़ी वाला घर नहीं जाएगा वो जा नहीं सकते। आप अपने घर की खिड़की झांक के देखिए, कोई लड़का किसी लड़की के पीछे रंग लगाने के लिए भाग रहा है। उस लड़के के पीछे उस लड़की के ग्रैंडफादर, और ग्रैंडफादर के पीछे पुलिस वाले। ये होली, कोई नाले में घुसड़ रहा है, कोई गटर में घुसड़ रहा है, कोई गोबर चुपड़। रंग इतने महंगे करे तो क्या करे, है? इतने महंगे रंग है। और भैया ओ हो हो, होली पे मैं एक परमिशन दे रहा हूँ आप सबको, जाओ मेरी तरफ से इजाजत है, होली में घर से निकलो जम के हुड़दंग मचाओ, और पड़ोस वाली भौजी को पकड़ के जम के रंग लगाओ। घरों रंग मारो ऐसी पिचकारी, वो चाहे गोरी हो या काली, समझो है मेरी साली। अरे भैया, ये मुंबई दिल्ली कलकत्ता बेंगलोर, यहाँ की कोई होली है? होली होती है कानपुर, बनारस, इलाहाबाद। ओह, एक एक हफ्ते टाइम भी सबके पास है, ऑफिस नहीं जा रहे, होली खेल रहे, साइकिल खड़ी, होली खेल रहे। एक एक हफ्ते विलास में गंगा जी में नहाते, उदिन नए कपड़े पहनते, एक हफ्ते में होली खत्म हो। शहरों में टाइम ही नहीं किसी के पास, लोग भाग रहे। कुछ दिनों कंप्यूटर में होली खेल लेंगे, इंटरनेट होली में जाएंगे, holi.com। हमारे कानपुर में भैया, अम्मा होली के 3 दिन पहले से खोया होया, दूध का खोया ला के रख दिया, गुजिया की तैयारी हो रही है। हमें ज्यादा खुशी किस बात की पता है? नहीं, गुजिया तलने के लिए पड़ोस वाली भाभी आएंगी कि नहीं। अब गुजिया हम बनवा रहे हैं, अंदर खोया, चिरौंजी, वो सब लगा के डाल के, हाँ हम बनाए। लव मशीन तो आई नहीं, ये काट के देते जा रहे हैं, इसमें आ गए। हाय नमस्ते, क्या बात है, हमें देख देख के बड़े खुश हो रहे हो। हाँ क्या, बैठ जाओ भाऊजी, बैठ जाओ, नहा धो के आई, बैठो। अब सारी गुजिया उसमें डाली गई, कढ़ाई में जिसमें घी पड़ा हुआ है, गरम गरम गुजिया उसमें डाली गई। तो तेल भौजी को देख के तेल ना, उसमें एक एक गुजिया धीरे से उतारी जा रही है, गुजिया भी हूं। अब उसके बाद बैठो मत, खड़े हो जाओ, क्योंकि वो बैठी हैं। जैसे उनको पता चला मुझे देखा जा रहा है,
वो थोड़ा पता नहीं चल रहा है गुजिया कहाँ कहाँ है। और पापड़, पापड़, आलू के पापड़, आलू के पापड़ एक महीने पहले से बनने शुरू हो जाते हैं, छत पे सुखाए जा रहे हैं, छत पे पापड़ कड़कड़ कड़कड़ उड़ रहे हैं। शहरों में एक तो छत में जाने की इजाजत ही नहीं, ऐसी सोसाइटी हैं, ऐसी बिल्डिंग्स हैं, वो ताला बंद, वॉचमैन के पास चाबी है क्या? त्योहार हो, कोई भी त्योहार हो, सबसे पहले क्या जरूरत पड़ती है? पैसा, पैसा होगा तो गुजिया बनेगी ना, तब वो भाभी आएंगी पड़ोस की, ऐसे वो भी नहीं आएंगी। पैसा, होली मुझे याद है कानपुर की, मैं कानपुर का हूं, तो सबसे पहले हम लोग निकल पड़ते थे चंदा लेने, चंदा लेने कंट्रीब्यूशन। अब एक एक घर जा रहे हैं, खूब गालियां भी मिलती थी, किसी घर में घंटी रहे टंग टंग, हाँ नमस्ते चाची, बोले तो क्या हुआ तुम्हारे घर में होली आ रही है? नहीं नहीं चाची, वो लकड़ी उकड़ी लानी है ना, तो चंदा दो। अरे तेरे बहुत चंदा का, बहुत तेरे को फिक्र रहा, कब जगराता का चंदा ले, कब चौकी का चंदा, कब रामलीला की पर्ची फाड़ रहा है। चलो वे कहीं और चले। एक घर में गए, हाँ पड़ोस में रहती थी गुप्ताइन चाची। हैं जो गुप्ता होता है उसके भाई गुप्ताइन, शर्मा शर्माइन, शुक्ला शुक्लाइन, शुक्ला शुक्लाइन, हैं क्या चड्डा चड्डी चड्डी। हेलो गुप्ताइन चाची, क्या गए चाची चाची पचास एक बाल्टी पानी। अरे क्या है बाकी हर बार से? एक दिन गया मैं चाची, तो लड़का बोला मम्मी नहा रही हैं। फिर दोपहर को गए, बेटा चाची मम्मी है, मम्मी है, मम्मी नहा रही हैं। फिर शाम को घंटी घंटी बजा रहे हैं, टीन टीन, कोई खोली नहीं रहा। बाद में किसी ने बोला लाइट गई। लड़का झांक रहा खिड़की से, क्या अंकल क्या है? हाँ मम्मी नहा रही है। बोला ये क्या ऐसा करती जो दिन भर नहाती? एक घर में गए, हमने कहा अंकल नमस्ते, नमस्ते अंकल, और कोई है नहीं घर में, आप ही चल रहे हो? कोई ऐसे घर में को क्या मतलब तुम्हारा क्या है? हमने कहा इनसे तो चंदा मांगने ही बेकार, एक रुपया देंगे ये अपने टाइम का चंदा देंगे जमाने का। हमने कहा अंकल कुछ नहीं, बस ऐसे ही जा रहे थे, होली थी वैसे। हाँ होली तो क्या हो गया, ला डंडा ला। होली तो क्या मतलब? नहीं नहीं वो चंदा है, चंदा चंदा। ए रघु पकड़ इसको, वो चंद पकड़ो जो गिरा गिरा के मुझे धोया वैसे। अरे नहीं तो अच्छा होली नहीं है, बस होली इस साल है ही नहीं, होली आई नहीं। कौन सी होली, काहे की होली, कौन होली, होली नहीं है। ये लोग गिरा गिरा के क्यों मारे यार? किसी ने बोला उनकी लड़की का नाम है चंदा। फिर हम लड़के परेशान, भाई होली में बढ़िया लकड़ी आनी चाहिए और अच्छी, जब होली जलती है उसकी लौ जब ऊपर तक जाती तब लगता है होली जल रही है। अब क्या करें? तो दूसरा आइडिया हम लोग ये करते थे, हम गजोदर मिश्रा यादव बैजनाथ मेवालाल ननकाऊ पुत्तन और पुत्तन, हम लोग क्या करते रहे भैया, लकड़ी लाना है तो क्या करें क्या करें, तो फिर जो है सड़क किया पे
सड़किया रोक देते तो खटिया डाल देते सड़क पे, जहाँ ट्रक वका रहा वहीं जो है तखत वखत बल्ली बांस बल्ली घुसेड़ दिया ट्रक। ओए की हो गया भाई, ओ की है मतलब तुझे पापा जी वो पंगड़ा की पंगड़ा जेदी वो तूतक तूतक तूतिया न होए, वो कुत्ता की कुत्ता जेदी गर्लफ्रेंड बढ़िया कुतिया न होए। ओए ओए की हो गया, की हो गया पाजी, होली है चंदा दो चंदा। होली है तूने टायर डाल के गड्डी रोक दी है, खटिया डाल दी तूने। होली बोला ये लो दस दस रुपये में क्या था पाजी, ये लो इक्यावन रुपये, इक्यावन रुपये एक शर्त पे दूंगा, मेरे को तो लोहड़ी का भी चंदा दे। होली, होली में होती है हंसी ठिठोली। इनकी बातें तो जाए पहले, होली में होती है हंसी ठिठोली। सबसे ज्यादा कॉमेडी शो होली में आयोजित किए जाते हैं, कवि सम्मेलन बहुत होते हैं, ऐसे ऐसे कवि निकलते हैं गड्ढा खोद को। एक कवि सम्मेलन पेश है, कवि सम्मेलन अखिल भारतीय महामूर्ख कवि सम्मेलन। कवि सम्मेलन का जो अध्यक्ष है अनाउंसर माइक लिए, बंधुओं महामूर्ख कवि सम्मेलन आरंभ को हो रहा है, देश के सारे छटे हुए कटे हुए सड़े गले एक से एक शायर कवि यहाँ पर रखे हुए हैं, एक एक को सालों को उठाऊंगा और आपके सामने फेंकूंगा, आप जरा गोद में लेना इनको। सबसे पहले आ रहे हैं जनाब तेज पत्ता फ्रॉम कलकत्ता, पहने हैं फटा लत्ता। आइए ध्यान दीजिए, कौन दे रहा है ध्यान दीजिए, कि रंग बरसे ये मेरी रचना है, मैंने कल ही लिखी है, बिल्कुल ताजी, पहले कभी सुना नहीं होगा, क्योंकि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे ये साला कवि। तो क्या कि रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, पहली बार सुन रहे होंगे आप इसको, क्योंकि मैंने आज दोपहर को लिखा है, पब्लिक में से कोई बोला बहुत कमीने हो तो सुना पूरा, सुनाओ तुम पुनः पूरा सुनाओ, अब नीचे उतरो लतियाएं तुम। देखिए देखिए बदतमीजी मत कीजिए, बदतमीजी मत कीजिए, बैठ जाइए पूरा सुनिए, बैठ जाइए, आप एक तो मुंह के सामने खड़े होकर खुजा रहे हैं। की रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, अबे घर जा वरना तुमको जुकाम हो जाएगा तड़से, होली आते आते आइए। क्या बात है, होली का सोचता हूँ, होली हमें बहुत अच्छी लगती है, अगर महिलाओं से खेलने को मिले तो पूरे बदन में झुरझुरी छूट जाती है, हमें हमें औरतें बहुत अच्छी लगती हैं, काहे से हम लेडीज वार्ड में पैदा हुए। होली भैया, लेकिन होली में कुछ लोग इतने शाने शाने समझे चालाक, हाँ हाँ इतने भी नहीं है यार, कुछ लोग इतने चालाक होते हैं कि होली का नाजायज फायदा उठाते हैं, पता है रंग कहाँ लगाने के लिए सोचते हैं, वो तो कहाँ कहाँ लगाते हैं उनको भी नहीं मालूम, लेकिन ऐसा घर तड़ते हैं यार। गुड्डू हाँ बताओ भैया, बताओ यार, रन्नों को लगाना है गुरु, रन्नों को रंग लगाया है गुरु, भाव बहुत खाती है,
ऐसे हिंदी बोलती रहेगी, जहाँ हम लोग देखते हैं अंग्रेजी बोलने लगती है। मालूम है कैसे जाए उसके घर में यार, सिक्योरिटी बहुत है। उनके पिताजी खिड़की में बैठे रहते हैं चाय कप लिए। कौन है? कोई नहीं है, पता ढूंढ रहे। गुरु इस बार होली में एक बोला, अबे पप्पू। हाँ भैया बताओ। बताओ बताओ क्या बताओ। यार ऐसा करो, तुम जो है शर्माइन के घर पे चढ़ो और हाँ ये शर्माइन हाँ पाइप के रास्ते जाओ, उनके आंगन में कूद के और गुप्ताइन की तरफ घुसो। और गुप्ताइन के मकान के समझे पेड़ डाली है ना वहां पे, पेड़ पकड़ के जूप करके और रनो घर में कूदो धपा। और वहां से तुम उसके घर में अंदर ही अंदर आके बाहर वाला दरवाजा खोल दो। हम लोग बाहर रंग लिए खड़े हैं, अभी हम लोग जो घुसेंगे तो अंदर से खोल दो दरवाजा। अरे पगल हो का, जो इतना मेहनत करके वहां घुसेंगे तो तुम लोगों के लिए दरवाजा काहे खोलेंगे। बिरज में होली खेले रघुबीरा, रघुबीरा रघुबीरा में होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा 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 में होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा रघुबीरा में होली खेले रघुबीरा। बीड़ी जली, बढ़िया बीड़ी है। होली के साथ साथ बीड़ी भी जला है, क्या जला है? धूम्रपान निषेध है। ओहो हो हो हो, बोलिए ओहो हो हो। आहा, क्या बात है। अच्छा कुछ लोगों को होती है टोकने की आदत, हर बात में टोकेंगे। कोई बारात में गए, खाने में नमक जो है बड़ा, कहीं कोई फंक्शन में आए, हाँ वो तो ठीक है, इनको चाहिए था यहाँ से ये करते और इसको ऐसे कर देते, हाँ ठीक है। एक दिन घर से बाहर निकले, हर एक को टोकने की आदत, घर से बाहर निकले, कौवे ने बीट कर दिया। उसको क्या मालूम भाई कौन है, तो मालूम थोड़ी कौन जा रहा है, कौवे ने कर दिया। ओए चड्डी नहीं पहनता क्या? कौवा क्या बोलता है, कौवा क्यों तुम लोग पहन के करते हो क्या? मैं अपने देश के उन तमाम हिंदुस्तानियों से हैरान हूं, बहुत परेशान हूं हिंदुस्तानियों से। रहते हिंदुस्तान में, खाते हिंदुस्तान का है, ही कमा रहे हैं, लेकिन इंग्लिश हाई फाई। गरीब वहां जा रहा है, यहीं से बोलेंगे एक्सक्यूज मी, साइड दीजिए, निकलने दीजिए। गरीब निकल जाओ, इतने में तो लारी निकल जाए। ये लोग दाल चावल नहीं खाते। अगर इनके घर में पार्टी है, वहां आपने कढ़ी मांग दिया, पकौड़ा कढ़ी, बोले जमीन पे बैठ, जमीन पे बैठो, जमीन बैठेगा। या पिज्जा बर्गर मांगो, पिज्जा बर्गर। हाई सोसाइटी, हम लोग एकदम हाईटेक होते जा रहे हैं। इनसे त्योहार की बात करो, इन महिलाओं से त्योहार व्यवहार पसंद नहीं,
इनको सिर्फ डिस्को पब पसंद है। पब हाई सोसाइटी के लोग हैं, इनको पूछो और भाभी जी होली आ रही, आई डोंट इट्स नॉट, ओह माय गॉड डर्टी होता है, कलर्स लग जाते हैं, इंफेक्शन, वाइब्रेशन, जम मैं तो होली वाले दिन अमेरिका चली जाती हूँ, रात तक लौटा अच्छा भाभी दीपावली, दीपल आई हेट दीपावली, आई डोंट लाइक दीपावली, पटाखे क्रैकर कान फोड़ू, कान फोड़ते हैं उसमें से कितने पटाखे बदतमीज होते हैं, क्या हुआ मैंने कितनी बार आग लगाने की कोशिश की, ग्रीन वाली में सुतली बॉम्ब में आग लगाई, हम लगा के खड़े हुए भी फट जाओ भाई, फटो तो सही भाई, फटो ना, बेकार निकला है, दूसरा निकाल दो, बदतमीज लोग, गिरे हुए लोग, छिछोरे लोग, बी कैटेगरी के सी क्लास लोग, आई डोंट लाइक दीपावली मैडम, वो करवा चौथ, ओ माय गॉड गरीब लोग रखते हैं करवा चौथ, हाई सोसाइटी, होली में देखा मैंने लोग पास टाइम नहीं है, हम लोग इतने बिजी होते जा रहे हैं किसी के पास टाइम नहीं, पहले देखो होली में पूरा झुंड का झुंड निकलता था, कपूर साहब के घर जा रहे हैं, बजाज साहब के घर जा रहे हैं, पापा जी के घर जा रहे हैं, वहाँ से निकले गुप्ता जी के यहाँ चले गए, केसरवानी के यहाँ चले गए, खन्ना के घर में घुस गए, सब के यहाँ जा रहे हैं, गुप्ताइन क्या तो आप घुसोगे, हमें तुम्हारा शौक पता है, अपने उम्र में रहो, अपनी उम्र वाली देखो, अब देखिए होली में आप देखिए अपनी विंडोज देखिए, ज्यादा भीड़ भीड़ दिखाई नहीं पड़ती, लोग सब बिजी है, सब पैसा कमाने में लगे हुए हैं, किसी का लड़का अमेरिका में है, किसी का लंदन में है, ये वो बस वो, तो हम लोगों ने बहुत तरक्की कर ली है, अब होली वाले दिन मैंने देखा है पॉश एरिया में, हाई सोसाइटी एरिया में, घर में बैठे लोग अकेले टीवी देख रहे हैं, कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, कोई आया नहीं रहा मिलने, अब आदमी परेशान, त्यौहार तो मनाना है होली का, मोबाइल निकाला, मोबाइल में डायल किया 420 420, डायल किया मोबाइल से आवाज़ें, वेलकम टू द होली डॉट कॉम, होली फेस्टिवल में आपका स्वागत है, अगर आपको अपनी बॉडी में ग्रीन रंग डलवाना है तो एक दबाएं, ब्लू रंग डलवाना है तो दो दबाएं, इधर उधर ना दबाएं। कैरियर की शुरुआत तो मिस्टर बच्चन की नकल से हुई थी, उनके ऊपर मैंने बहुत सारे जोक बनाए, बहुत सारी मिमिक्री की उनकी, एक मैंने बनाया था कि अमिताभ बच्चन बीच में ही बीमार हो गए थे, बीमार होने के बाद काफ़ी दिनों घर पर रहे, पेट में चोट लग गई थी, तो बहुत बोर हो गए, बोर होते ही एक दिन वो अपने ड्राइवर से बोले अरे भैया सुनिए, जाइए ऐसा है कि बहुत परेशान हो गए हैं घर के अंदर, ये बीमारी जो है जब से अस्पताल आए हैं बाहर की हवा नहीं देखी है, अब गाड़ी निकालिए थोड़ा सा घूम के आएंगे मरीन ड्राइव, जरा चक्कर मारेंगे, जरा बाहर की हवा भी ले लें भैया, हाँ अरे कब तक कैद रहेंगे भाई आए, ड्राइवर ने गाड़ी निकाली, अमिताभ बच्चन बोले अरे सुनिए आप कहाँ बैठ गए स्टेयरिंग में भाई, आप पीछे बैठिए आज हम ड्राइव करेंगे, हम खुद ड्राइव करेंगे, आप जो है पीछे बैठ जाइए, पर साहब आपका तबीयत बराबर नहीं, अरे तबीयत को क्या हुआ भाई, अरे कमरे में बैठा दो बिजली का क्या काम है मेरे यंगाने में, तुम्हारा क्या काम है, ड्राइवर हाँ साहब आपका तबीयत ठीक हो गया, ड्राइवर पीछे वाली सीट पे बैठ गया,
अमिताभ बच्चन ड्राइव कर रहे थे, एक सिग्नल तोड़ दिया, लाल बत्ती नहीं देखी, दूसरा रेड लाइट नहीं देखा, निकल गए। तीसरी रेड लाइट पे ट्रैफिक हवलदार ने, अरे ओ थांबा ओ गाड़ी रुका, लाइसेंस, लाल बत्ती दिखता नहीं क्या, लाइसेंस, अरे एक सेकंड साहब जैनुनी साहब, हेलो हाँ कमिश्नर साहब जल्दी आओ साहब, हाँ गाड़ी रोका साहब, सिग्नल तोड़ा था, फाइन मारना है। नहीं साहब मेरे से नहीं होगा साहब, बहुत बड़ा आदमी है साहब, आप आओ साहब, मैं गाड़ी रोक के रखा है। नहीं साहब मेरे को नहीं जमेगा, बड़ा आदमी है साहब। नाम? नहीं साहब नाम मालूम नहीं है, इतना मालूम है उसने ड्राइवर अमिताभ बच्चन रखा है। फिर एक क्रिएट किया था, अमिताभ बच्चन बाजार गए सब्जी ले, अब नींबू खरीद रहे हैं, तो सब्जी वाले से कहते हैं, अरे भैया सुनिए, ये नींबू कैसे दिया है? अरे देखिए हम इनसे नींबू खरीदना चाहते हैं और ये बता नहीं रहे हैं, अरे आपसे पूछ रहे हैं ये नींबू कैसे दिया है? हे सर तुमको पूछते हैं ये नींबू कैसे दिया, अरे ये नींबू कैसे दिया? फिर भाजी वाला, अरे तुमको पूछते हैं नींबू कैसे दिया? किसी ने बोला अरे पूछ रहे क्यों नहीं बता रहे हो? अरे उनको बता के फायदा नहीं है, वो लंबे बहुत है, उनको बोलो झुक के देखें नींबू नहीं संतरा है। बच्चन साहब की दीवार मैंने बहुत बार देखी, उसके एक डायलॉग मुझे रटे हुए हैं, क्या लिखी गई थी फिल्म, क्या फिल्माई गई थी, और फिर बच्चन साहब का अभिनय सोने पे सुहागा। अच्छा दीवार के सीन को मैंने थोड़ा चेंज किया, उसमें जरा मैंने पोस्टमार्टम किया उस सीन का, अगर वो सीन आज हो आज की डेट में तो वही सीन कैसे होगा? ब्रिज के नीचे दोनों भाई मिल रहे हैं, शशि कपूर पहले से खड़े, अमिताभ बच्चन लेट आते हैं। क्या बात है रवि? रवि तुमने मुझे अचानक इस ब्रिज के नीचे क्यों बुलाया? कहीं मैंने आने में देर तो नहीं कर दी? भाई कार से आने वाले अक्सर देर से आते हैं, रवि यहां अचानक बुलाने की कोई खास वजह? तो मुझे कहीं भी होटल मिल सकते थे, कहीं भी मिल सकते थे, लेकिन इस सुनसान और खुफिया जगह में क्यों बुलाया? आज डिपार्टमेंट की ओर से एक फाइल मिली है, इन लोगों के नाम है जो काले धंधे करते हैं, जो स्मगलिंग करते हैं, लूटमार करते हैं भाई, और इसी में एक नाम तुम्हारा भी है। क्या चाहते तुम? मैंने पूछा क्या चाहते तुम? देखो रवि साफ साफ बताओ तुम्हें क्या चाहिए भाई, इस कागज पे साइन करो कि तुम सब कुछ बताने को तैयार हो, तुम्हारे काले धंधे काले पैसे जो तुम कबूल करने को तैयार हो, इस कागज पे साइन करो। अरे जाओ पहले उस आदमी साइन लेके, और उसने हाथ पे लिख दिया मेरा बाप चोर, उस आदमी साइन लेकर उसने मेरी माँ को धक्के देकर बाहर निकाल दिया था, उसके बाद मेरे भाई तुम जिस कागज में कहोगे मैं साइन करूंगा, सबसे पहले साइन नहीं करूंगा भाई, सुना तुमने? तो दूसरों के पाप गिनाने से सच्चाई नहीं बदल सकती कि तुम भी एक मुजरिम हो, मैं भी एक मुजरिम। देखो रवि हम दोनों इसी ब्रिज के नीचे से पड़े हुए, आज तुम कहां रह गए मैं कहां पहुंच गया, आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है, क्या तुम्हारे पास? मारे पोशाक क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास भी बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है, अरे तो माँ कहाँ है? भाई माँ ने दूसरी शादी कर ली। साली ने जीजा जी से कहा, जीजा जी पास हो गई हूँ, मिठाई खिलाइए। हाँ ऐसी साली ने, जीजा जी पास हो गई हूँ, मिठाई खिलाइए। वो बोले खिला देंगे पहले और पास हो जाओ।
मालिनी जी, आज सुबह राहुल जी ने, आज जी लगा रहा हूं मैं होली की वजह से, राहुल जी ने होली, होली में सब झूठा बोलते ना, राहुल ने मोदी जी को फोन किया, फोन करके बोले साहब साहब मैंने आपका काम कर दिया है, अगर आपकी अब आज्ञा हो तो मैं छुट्टी मनाने विदेश चला जाऊं। अपने देश में इतने सारे नियम हैं, पुराने बुजुर्गों ने बना दिए हैं, मुझे लगता है उनके पास टाइम कुछ नहीं रहा होगा, खाली बैठे होंगे तो ऐसे कोई भी नियम बना दिए, भाई अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो आप शगुन है, कोई छींक दे तो आप शगुन है, फालतू टाइम का, क्योंकि उसमें व्हाट्सअप था नहीं, कैसे बैठे बैठे बातें करते थे। अब अच्छा इसमें भी नियम है अपने देश में, एक बच्चे को पेशाब करना है उसमें भी उसकी ग्रैंड मदर वहां भी नियम बता रही है, बच्चा करने लगा उधर ना करो मंदिर है, बच्चा इधर घूम उधर ना करो मस्जिद है, बच्चा इधर पलटा यहाँ का करना है, हम खुद खड़ी है, तो बच्चे ने ऐसे ऊपर किया सत्यानाश है होली अभी से मना लिया। वो कहते हैं कि हर बड़े आदमी का ये एक ही गेम होता है क्या, बॉल लेगा फेंकेगा, हमसे कहता है लेके आओ, इसमें मजा क्या आता है। अब कुत्ता पहले दिन खरीद के लाए, आपके यहां तो बहुत पले हैं, आप उनको कुत्ता नहीं कहते, पेट्स पेट्स, बच्चे हैं बच्चे। कुत्ता खरीद के फर्स्ट टाइम घर में आया, अब कुत्ता अभी सेटल भी नहीं हो पाया था, सबको सूंघ रहा है फैमिली मेंबर को, उसको मालूम नहीं कि इसमें से हड्डी कौन देगा रोटी कौन देगा। इतने में मालिक ने बॉल लिया, बॉल फेंक दिया, गो 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 गेट इट गो गेट इट, क्या हुआ अर्जेंट है क्या, गो गो टॉमी टॉमी गो टॉमी कौन, मैं रख दिया रख दिया, अभी रखा है तो जिसका नाम रखा उसको तो बताओ, गो गो टॉमी टॉमी गो गो गेट इट गो गो गेट इट, क्या इमरजेंसी है क्या, गो टॉमी, और भाग के गया, बॉल बॉल मुंह में लिया, मालिक को दे दिया, मालिक को दे दिया, अब उसको लगा शायद ही सेटिस्फाइड हो गया, अब ये अपनी बॉडी को झाड़ी वाड़ी में रगड़ रहा है। इतने में साहब ने बॉल उठाया फिर फेंक दिया, गो 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 गेट इट गो, वापस फिर से इधर यहाँ कमीने इधर, जब तू बॉल मंगाता है तो फेंकते ही क्यों है। और इसमें इस आइटम का जरूर ताली बजनी चाहिए, कुछ कुत्ते अपने देश में ऐसे हैं जो पाकिस्तान की तरह हैं, पाकिस्तान की तरह हैं, भौंकते भी हैं और पीछे भी हटते हैं, यूं होते हैं।